वो सब लोग मंगलाचरण करें पहले। मंगलाचरण इसलिए होता है जिससे हमारा ध्यान अच्छी तरह प्रभु के चरणों में स्थित हो। मंगलाचरण हेतु अपनी कमर सीधी कर लें, 3 बार ओम का उच्चारण करें। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार, फल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मुनि हरहु विषम भव भी, श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी,
मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, जय 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 हनुमान गोसाई, 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 कृपा करो गुरुदेव के नाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई, जय विधिनाथ हो यहित मोरा, 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 करहु सुवेग दास मैं तोरा, करहु सुवेग दास मैं तोरा, दीन दया दयाल बीरद संभारी, दीन दयाल बीरद संभारी, दीन दयाल बीरद संभारी, दीन दयाल बीरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम, सादर शिव ही नाई अब माथा, सादर शिव ही नाई अब माथा, मन हो बिशद राम गुण गाथा, मन हो बिशद राम गुण गाथा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माथा, जय गज बदन षडानंद माता, जगत जननी दामिनी ज्योति गाथा, जगत जननी दामिनी ज्योति गाथा, राम कथा कली कावद गाई, राम कथा कली कावद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, गुरु पितु मातु महेश भवानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दीन दानी, प्रणवहु दीन बंधु दीन दानी, सादर शिव ही नाई अब माथा,
का दर सिवही नाई अब माता हर न होंगे शद राम गुण गाथा हर न होंगे शद राम गुण गाथा सादर शिवही नाई अब माता सादर शिवही नाई अब माता। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। सब संतन की जय। सब देवन की जय। गंगा मैया की जय। सरयू मैया की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए जय जय सियाराम। कथा के प्रसंग में कल तक जो यात्रा हुई, कल हम लोग गुरु विश्वामित्र के साथ थे, भगवान के साथ, और कल सारी विद्याओं का जिक्र हुआ। गुरु ने अपनी सारी विद्याएं श्री राम को सौंप दी। विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। विद्याओं के वर्णन भी किए गए, बला महाबला अति बला इत्यादि, जिनसे कि नींद पर कंट्रोल हो जाता है, भूख प्यास पर कंट्रोल हो जाता है, ऐसी विद्याएं। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के समस्त यज्ञों की रक्षा की और उसके पश्चात गुरु जी ने कहा कि राघव अभी एक राजा के यज्ञ की रक्षा और होनी है। ऋषि के यज्ञ की रक्षा तो हो गई। हालांकि भगवान ये भी कह सकते थे कि मेरे पिताजी ने मुझे केवल आपकी रक्षा के लिए भेजा, आपके यज्ञ हेतु भेजा। अभी आप नई चीज अगर बोल रहे हैं तो फिर पिताजी से अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। वो बड़ी प्रसन्नता के साथ गुरु के साथ चले। हर्षि चले मुनिवर के साथा। थोड़ा ये पकड़ने वाली बात है हम सबके लिए कि पुण्य करने का अगर कहीं कोई अवसर मिल रहा हो तो उसे ले लेना चाहिए। प्रसन्नता पूर्वक चले। कई लोग परमार्थ के काम में जाते तो हैं लेकिन थोड़ा बेमन से जाते हैं, अरे भाई कोई तो कर ही नहीं रहा तो चलिए हम ही कर देते हैं ऐसा करके। तो ऐसे बेमन से भगवान नहीं गए, प्रसन्नता पूर्वक गए। और ये किसी भी काम की सफलता का सूचक है कि जब आप किसी कार्य को प्रसन्नता पूर्वक प्रारंभ करेंगे तो वो सफल होगा। जैसे हनुमान जी लंका गए तो उन्होंने कहा होई काज मोई हर्ष विशेष, मुझे बहुत अंदर से खुशी हो रही है इसलिए काम पूरा होगा। अच्छे काम में आप जब भी जाएं तो प्रसन्नता पूर्वक जाएं। पुरानी कहावत है कि भाई मरे मन से जाएंगे तो मरे की खबर लाएंगे। तो भगवान यहां से गुरुदेव के साथ चले। ये बक्सर से यात्रा प्रारंभ हुई, ये आपके आजमगढ़ के आगे बलिया, बलिया से आगे गंगा जी पार बक्सर। तो बक्सर में विश्वामित्र जी के आश्रम और वहीं से रामरेखा घाट है, वहीं से यात्रा प्रारंभ हुई। गंगा जी के किनारे किनारे भगवान पूर्व की ओर चले और आगे चल के छपरा, छपरा में गौतम ऋषि का आज भी स्थान है, उसको गौतम स्थान बोलते हैं। तो छपरा से एक 15-20 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है। तो वहां गौतम ऋषि का प्राचीन आश्रम, बड़ा दिव्य आश्रम रहा होगा, इसलिए उस आश्रम के जो बचे हुए खंडहर या उसकी सीमांकन था उसको देखकर भगवान ने जिज्ञासा प्रकट की, क्योंकि उन्होंने देखा कि उस आश्रम में दूर तक ना कोई जीव ना कोई जंतु, मानव तो था ही नहीं, उसके ऊपर से उड़कर पशु पक्षी भी, नहीं जा रहे थे, पशु भी उसमें नहीं थे आश्रम में। खगमृग जीव जंतु तह नाही,
आश्रम एक दीख मगमा ही। जबकि आश्रम की विशेषता होती है, आपने किसी भी ऋषि के आश्रम का वर्णन पढ़ा होगा कि वहां शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं, सारे पशु पक्षी आनंद से, मोर नाच रहे हैं, कोयल कूक रही हैं, लेकिन वो अजब आश्रम था। और उसमें दूर एक ऊंचे से टीले पर एक नारी की मूर्ति जैसी बैठी थी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नारी थी, कुछ लोग कह रहे हैं वो पत्थर थी। तो भगवान ने स्वयं गुरु से जिज्ञासा प्रकट की। देखिए ये कथाएं आपने बहुत बार सुनी है, आज हम अहिल्या माँ के चरणों में चल रहे हैं इस समय, वो भी भारत की प्रातस्मरणीय नारियों में से एक है। लेकिन ये सोचने की बात है कि भगवान दो नारियों की कुटिया पर स्वयं चलकर गए। वो दोनों कहीं भी किसी तीर्थ में साधना करने नहीं गई। ये बालकांड में अहिल्या जी और अरण्यकांड में शबरी जी। शबरी जी की कुटिया पर भी भगवान स्वयं गए और अहिल्या जी की कुटिया पर भी भगवान स्वयं जा रहे हैं और स्वयं जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। गुरुदेव ने नहीं कहा कि ये अहिल्या जी हैं या ये गौतम स्थान है। जिस पर कृपा करनी होती है तो स्वयं अपनी ओर से भगवान ने सक्रियता दिखाई और गुरुदेव से पूछा कि प्रभु ये किसका आश्रम है, ये जो कौन बैठी हैं? पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा ऋषि कही विशेष। जब भगवान ने स्वयं मुनि से पूछा तब उन्होंने पूरी कथा सुनाई। क्या सुनाई? बोले गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम ऋषि की पत्नी अपने पति के श्राप से पत्थर हो गई हैं, आपकी चरण कमल की रज चाहती हैं, अब इन पर कृपा करिए, कृपा करहु रघुवीर। तो अहिल्या जी की कथा सुनने से हम सबका मन पावन होता है और आज गंगा दशहरा के दिन तो वो कथा बहुत ही शुभ है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे और ये हम सबके मन पर असर करती है कथा। कल हम लोग मन की चर्चा कर रहे थे काफी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या संसार की सबसे सुंदर स्त्री मानी गई अपने समय में, सबसे योग्य, सबसे ज्ञानी, सबसे तेजस्वी। तो अहिल्या जी की विशेषता है कि वो ब्रह्मा जी की पुत्री मानी गई हैं। ब्रह्मा जी चाहते हैं कि उनका विवाह बड़ा योग्य वर से हो, लेकिन कोई वर मिल नहीं रहा, क्योंकि कन्या का जो वर है वो कन्या से योग्य होना चाहिए, वर माने श्रेष्ठ होता है। तो इंद्र का प्रस्ताव आया कि महाराज मैं विवाह करने को तैयार हूं आपकी कन्या से। तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, बोले भाई इंद्र जी हम आपको भी जानते हैं, इस चुनाव में आप इंद्र हैं, अगले चुनाव में आप हार सकते हैं। तो आपके पाप, आपके जो पुण्य हैं वो जब घटेंगे तो आप फिर से मृत्यु लोक में आ जाएंगे, छीणे पुण्य मृत्यु लोक के बसते। तो मैं ऐसे व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा जिसके पुण्य घट रहे हैं, मैं उससे शादी करूंगा जिसके पुण्य लगातार बढ़ रहे हैं। तो उस समय के जो सबसे तेजस्वी ऋषि थे गौतम ऋषि, उनके साथ ब्रह्मा जी ने विवाह किया। तो अहिल्या जी बहुत प्रसन्न हुई कि मुझे तपस्वी जगत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति प्राप्त हुआ। अब लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि गौतम तो ऋषि हैं और ऋषि जो होता है वो तो अपरिग्रही होता है, क्योंकि धर्म का एक लक्षण अपरिग्रह भी है, अधिक इकट्ठा नहीं करना, भगवान पर भरोसे का जीवन जीना। तो कुटिया में रहते हैं, बैठ जाइए अभी, अभी बैठ जाइए बहन जी, अभी बैठ जाइए, अभी कथा सुनिए। यज्ञशाला है, गौशाला है, गुरुकुल है, लेकिन वहां कोई मार्वल के भवन तो नहीं है, ना वहां नीली बत्ती की गाड़ियां हैं, ना वहां सुंदर कालीन सोफे हैं, एसी भी लगे हुए नहीं है। तो कुछ दिन तक तो अहिल्या जी बहुत प्रसन्न नहीं, लेकिन उसके बाद उनकी बुद्धि सक्रिय हुई और उनको लगा कि तप के मामले में तो हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन भोगों के मामले में तो सर्वश्रेष्ठ नहीं। जो भौतिक सुख जिनको मानते हैं लोग,
देखिए बुद्धि जो है, बुद्धि की यह विशेषता है कि बुद्धि संतुष्ट नहीं होती कभी। आदमी की खोपड़ी कभी संतुष्ट होती है? अभी तो अंबानी जी की नहीं हुई हमारी, तो वो क्या है। बहुत बड़ी बड़ी चीजों का कारोबार करने के साथ साथ उन्होंने सब्जियां भी बेचनी शुरू कर दी, रिलायंस फ्रेश। कितना बुद्धि कितनी दूर तक जा सकती है, और बुद्धि का भी संतुष्ट नहीं होती। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। जैसे अब बच्चा होता है शुरू में, तो घर वाले उसको कहते हैं भाई हाई स्कूल की परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन जब वो हाई स्कूल कर लेता है तब उसे पता लगता है कि हाई स्कूल से तो कुछ नहीं होता, इससे तो मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अभी तो मैं केवल सिपाही बनने योग्य हुआ। तो फिर कहते हैं अब बारहवीं करो, फिर बारहवीं करता है मेहनत करके, फिर लगता है कि बारहवीं वाले तो बहुत हैं, फिर ग्रेजुएशन करो, बीटेक करो या डॉक्टरी करो, इंजीनियरिंग करो, जो भी करो। यानी बुद्धि लगातार, पहले कुछ नहीं होता जेब में तब भी मस्त रहता है, फिर हजारपति, फिर लाखपति, फिर करोड़पति, फिर अरबपति, लेकिन वो यात्रा नहीं रुकती थोड़ी है। शादी नहीं हुई तो शादी करो, शादी हो गई तो बच्चे करो, बच्चे हो गए तो फिर बच्चों का अच्छा पालन करो, फिर बच्चों की शादी करो, फिर बाबा बनो, फिर परबाबा बनो, लगातार। राजनीति में गए तो पहले गांव के प्रधान बनो, फिर बीडीसी बनो, फिर जिला पंचायत बनो, फिर एमएलए बनो, फिर एमपी बनो, फिर लगातार आगे प्रदेश के मंत्री से प्रदेश के प्रधानमंत्री तक, वो हर चीज में। इसी को बुद्धि का भव सागर कहा गया है। भव किसे कहते हैं? आपने नाम सुना होगा भव सागर, भव कूप, भव रोग, भव बंध। व्हाट इज भव? भव माने क्या है? भव माने बनना। जैसे हम किसी बालक को आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, यानी आयुष्मान बनो। विजयी भव, विद्वान भव, कोई बहू आएगी उसको कहेंगे सौभाग्यवती भव, बोलते ना भव माने बनो। तो पूरी दुनिया बनने के चक्कर में तो लगी है भाई सब। बच्चा जन्म लिया तो माँ बाप कहते अच्छे बच्चे बनो, शैतानी मत करो, पढ़े लिखे बनो, ऐसा करो वैसा करो, फिर कमाऊ बनो, फिर पति बनो या पत्नी बनो, फिर माता पिता बनो, फिर ऐसे लगातार बनने की यात्रा, चाहे वो धन का क्षेत्र हो, चाहे वो संबंधों का क्षेत्र हो, चाहे योग्यता का क्षेत्र हो, लगातार चलती है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि बन तो जाओगे ही आप। अगर आप पुत्र बन गए हो तो पिता भी बनोगे, चूंकि आगे चल के आप बड़े हो गए, आपकी शादी होगी तो पिता भी बन जाओगे। और अगर पिता बन गए तो दादा बनने से आपको कौन रोक सकता है? आपके बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, तो दादा, इसमें आपको क्या करना है भाई साहब? इसलिए शास्त्र कहता है, गुरु कहता है, जरा बनाने वाले की ओर भी तो देखो, थोड़ा सा ध्यान उसकी ओर लगाओ जिसने आपको बनाया है। शास्त्र आपकी बुद्धि को 180 डिग्री के कोण पर घुमाता है, उधर देखो जहां से आए हो और जहां जाना है। तो यही जो भवसागर है, जब आप बनने की इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और आप ये मान लेते हैं कि मैं अपना कर्म करता चलूंगा, करती चलूंगी, बाकी जो बनना है वो होगा, वो तो मैं चाहूं तो भी और ना चाहूं तो भी हो नहीं है, मैं अपनी मेहनत पूरी करूंगा और ध्यान बनाने वाले में लगाऊंगा, उसी को भवसागर से मुक्ति कहते हैं। अब अहिल्या को लगता है कि मेरे पास संसार के सबसे तेजस्वी पति तो हैं, लेकिन अभी सबसे तेजस्वी सुविधाएं नहीं है, और उनको लगता है कि अगर मैं इंद्र की पत्नी बनी होती, अगर मेरी शादी इंद्र से हुई होती, चूंकि रिश्ता तो आया था, तो कितनी गाड़ियां होती, कितने नौकर चाकर होते, कैसी सुंदर सुविधाएं होती। तो मन में ऐसा चिंतन, शरीर से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन में ऐसा चिंतन। एक दिन उन्होंने अपने पति से कहा कि यूनिवर्सिटी का, आपके विश्वविद्यालय का जो दीक्षांत समारोह है, जो विद्यार्थियों की दीक्षांत होती है जिस समय वो कोर्स पूरा करके जाते हैं, ऐसा करिए कि इस बार अपने फंक्शन में इंद्र को मुख्य अतिथि के रूप में बुला लीजिए। तो गौतम ने कहा इंद्र को क्यों बुला लें, हम तो ऋषि लोग हैं, हमारा राजा से क्या मतलब है। तो अहिल्या ने कहा आपको पता नहीं है, इंद्र अगर आएंगे
तो ये पीडब्ल्यूडी वाले सारे अधिकारी आके आश्रम की सड़क बना जाएंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर कहीं आते हैं या राज्यपाल आते हैं तो वो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप डीएम सक्रिय हो जाते हैं। फिर डीएम एसएसपी हमारे घर के चक्कर लगाएंगे तो बिजली की लाइन भी खींच जाएगी, टेलीफोन की लाइन भी खींच जाएगी और थोड़ा दबदबा भी हो जाएगा, कोई आश्रम को परेशान नहीं करेगा, एक फोन पर काम हो जाएंगे। थोड़ा सा आप समझते नहीं है संसार में, जरा जरूरी बुला लीजिए। अब ऋषि ने तो मना किया, बोले हम लोग तपस्वी लोग हैं, हमारा ये काम नहीं है, लेकिन अहिल्या जी की जिद के आगे उन्होंने अच्छा ठीक है बुला लेते। अब वो इतने तेजस्वी ऋषि हैं कि उनके निमंत्रण को कौन मना करेगा। इंद्र आ गए, वैसे भी इंद्र की इच्छा थी, वो एक बार अहिल्या को देखना भी चाहते थे, उन्होंने बड़ा उनका नाम सुना था, बड़ा प्रसिद्धि सुनी थी। अब आपको ये भी पता है कि जब नेताजी आते हैं तो जो नेताजी को प्रभावित करना चाहते हैं वो नेताजी की सेवा में चारों तरफ जरा सर 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 काजू की प्लेट लेके ऐसा रहता है ना। तो अहिल्या जी बहुत खातिर में कि सर सर, तो इंद्र ने अहिल्या को देखा और इंद्र को लगा कि तो स्वर्ग में भी इनके बराबरी का कोई नहीं है। उसके मन में पाप आ गया और वो रात्रि में वहां रुके और उन्होंने चंद्रमा को कहा कि तू बांग लगा मुर्गे की आवाज। चंद्रमा ने बांग लगाई, गौतम ऋषि ने कहा सवेरा हो गया ऐसा सोचा और गंगा स्नान करने चले गए। तो पीछे इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाकर, उन्हीं के वस्त्र जैसे और उन्हीं का पूरा रूप बनाकर अहिल्या की कुटिया में प्रवेश किए और गंगा जी पर जाकर गौतम ने देखा कि अभी तो सवेरा नहीं हुआ, सुबह का तारा नहीं होगा। अब जो नए बच्चे हैं वो तो थोड़ा लेट उठते हैं, लेकिन बुजुर्गों को तो पता है कि सुबह 3:30 बजे पूर्व की दिशा में देवगुरु बृहस्पति निकलते हैं। कितने बड़े, कितना दिव्य दर्शन उनका होता है, एकदम पुखराज के रूप में। तो वो जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनका उदय ये बता देता है कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। पुराने लोग जब घड़ी नहीं होती थी तो उन्हीं से अंदाज लगाते थे कि अब ब्रह्म मुहूर्त हो गया। तो गौतम जी को लगा अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ, मुर्गा गलत बोल गया, तो लौटे। और जब लौटे तो कुटिया से इंद्र निकल के भागे, तो वहीं उन्होंने हाथ में जल लेकर श्राप दिया। देवताओं का राजा जिसके सहस्त्राक्ष कहा जाता है, जिसको सहस्त्राक्ष, 1000 नेत्र होते हुए भी उसके विवेक के नेत्र फूट गए, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तेरे शरीर पर 1000 जगह कोढ़ हो जाए। तो वहीं चरणों में गिर गया, त्राही माम करने लगा, वहीं उसके शरीर पर कोढ़ फूट गया, कोढ़ी हो गया। अहिल्या अपने पति के तप के प्रभाव को जानती थी, अहिल्या को समझ में आ गया कि मेरे साथ छल हुआ। वो चरणों में गिर गई, उन्होंने कहा प्रभु देखिए मेरी गलती नहीं है, तो आपका वेश बनाकर इसने मेरे साथ छल किया। गौतम जी ने कहा कि मुझे यही समस्या है कि आप मुझे अभी तक मेरी ड्रेस से पहचानती हैं, केवल कपड़ों से पहचानती हैं अपने पति को, व्यवहार से नहीं पहचानती, अपने पति के जीवन के सिद्धांत नहीं जान पाई आज तक। ब्रह्म मुहूर्त हो चुका था, तो ब्रह्म मुहूर्त में तो किसी भी ऋषि के मन में वासना का विचार आ ही नहीं सकता। इतने लंबे समय मेरे साथ बिताने के बाद भी आपकी बुद्धि पर, तो आपकी बुद्धि जड़ हो गई है, इसलिए आप जड़ हो जाए। दोनों ने पूछा हमारा उद्धार कैसे होगा। तब गौतम ने कहा कि जब राम जनकपुर में दूल्हे के रूप में घोड़े पर बैठकर वर यात्रा होगी, तब अगर इंद्र आप उनका दर्शन करोगे तो आपका कोढ़ दूर हो जाएगा। और अहिल्या जी को कहा जब राम इस मार्ग से आएंगे, परमात्मा इस मार्ग से आएंगे, तब आप पर कृपा करेंगे। अगर आप प्रायश्चित करोगी तो, नहीं करोगी तो आपकी इच्छा, और कोई होती तो शायद मायके चली जाती, या हो सकता है एकाधक मुकदमा भी लगा देती। लेकिन अहिल्या को अपने पति के तप पर, क्योंकि वो जानती है कि हमारे पति बिल्कुल 24 कैरेट 100% शुद्ध है, तपस्वी है, उन्होंने अपने पति के वचनों का पालन किया और वहीं तप करने बैठ गई। और उन्होंने पूछा कि रावण का इतना आतंक है, इतने राक्षस हैं, मैं कैसे रहूंगी यहां। अभी तो आपके तप के बल के कारण कोई आता नहीं था, लेकिन अब आप जा रहे हैं आश्रम छोड़कर। तो गौतम जी ने कहा अगर आप तप करोगी तो मैं इस आश्रम को चारों ओर से अभिमंत्रित करता हूं।
देवता राक्षस मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु यहां तक कि कोरोना का वायरस भी, इवन नॉट ए सिंग वायरस मींस बैक्टीरिया, वायरस जंतु मींस, कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। परमात्मा आएंगे बस, बोले पहचानोगे कैसे, बोले उनके अलावा किसी का प्रवेश नहीं होगा। जो पहला मनुष्य आश्रम में प्रवेश करेगा वो राम ही होंगे, आपको पता लग जाएगा। अब जैसे रामबाग ही सैकड़ों बीघे का है, तो गौतम ऋषि का आश्रम भी हजारों बीघे का रहा होगा, हजारों एकड़ का रहा होगा। उसके बीचों बीच में अहिल्या बैठी है। अब लोग प्रवेश तो कर नहीं सकते, तो एक किलोमीटर दूर से डेढ़ किलोमीटर दूर से जब देखते हैं तो कोई कहता है पत्थर हैं, कोई कहता है नारी है, पीढ़ियां बदल गई। क्योंकि जब आप समाज से अलग हो जाते हैं, बिल्कुल आइसोलेट फ्रॉम द सोसाइटी, तो लोग यही कहते हैं कि आप जड़ हो गए। अब आप चाहे उन्हें पत्थर मान लें, चाहे आप उन्हें जड़ मान लें, जैसे भी मान लें। अब भगवान गए हैं, अब वो अहिल्या का उद्धार करेंगे। लेकिन उससे पहले अहिल्या जी का उद्धार तो उन्होंने त्रेता युग में ही कर दिया था, राम एक तापस तिय तारी, लेकिन नाम को टिखल कुमति सुधारी। आज भगवान श्री राम का नाम दुनिया के करोड़ों लोगों की बुद्धि में बैठे हुए पाप का निवारण करके बुद्धि को शुद्ध कर रहा है, लोगों का उद्धार कर रहा है। तो हम सब लोग जो आज गंगा दशहरा पर यहां विराजमान हैं, हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमारी बुद्धि का अभी तक उद्धार नहीं हो पाया है, अगर हो गया होता तो ये बार बार जन्म क्यों लेना पड़ रहा होता। इतने लंबे समय से हम लगातार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ते हुए चले आ रहे हैं, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो पार हो जाएंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, हे राघव हे रघुवर, जैसी चरणों की रज आपकी अहिल्या को मिली वैसी हमको भी मिले। इस भावना के साथ एक सुंदर सा भजन मेरे साथ गाने की कृपा करें सभी लोग। देखिए जो भजन है ये अहिल्या जी के लिए नहीं गा रहे हैं, हम लोग अपने लिए गा रहे हैं। अहिल्या जी को हमारी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, उनका तो उद्धार हो चुका, उन्होंने अपने तप के बल पर किया। लेकिन हम लोग अपने लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये भजन भी एक प्रकार की एप्लीकेशन है जो हम भगवान के चरणों में लगा रहे हैं, और एप्लीकेशन हनुमान जी को ही दी जाती है, वो सामने विराजमान है। उधर सब लोग राघव के चरणों की, रघुबर के चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राघव के चरणों की, रघुबर के चरणों की। सुनिए जरा ध्यान से मेरी एक प्रार्थना, कि आप अपने आगे देखिए, आपके आगे जो कुर्सी खाली पड़ी है कृपया आप उस पर बैठ जाइए। जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं इधर माताओं में भी, आपके आगे जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं उन पर बैठ जाइए, तो फिर पीछे से जो माताएं आ रही हैं, भाई आ रहे हैं, उनको स्थान पीछे मत देखिएगा, आगे देखिएगा और आगे की कुर्सी भर लीजिएगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, इसे जितना समझाऊं, इस
से जितना समझाओ उतना ही मचल जाए, इसे जितना समझाओ उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, रघुबर के चरणों की। जय हो। सुनता हूँ तेरी करुणा दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी करुणा दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी करुणा दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी करुणा दिन रात बरसती है। अभी सब लोग नहीं गा रहे हैं, सब गाएंगे तो और आनंद आएगा। वैसे वाणी में तो कोई समस्या है नहीं, वाणी तो सबकी बहुत सुंदर है और इतना सुंदर सरयू माँ का तट है, रामबाग का स्थान है। अब यहां भी करुणा नहीं मांगेंगे तो कहां मांगेंगे। तो जरा अपनी वाणी से जब गाएंगे तो आप ही की वाणी पवित्र होगी, इसलिए गाने की कोशिश करिए जितना गा सके। सुनता हूं तेरी करुणा दिन रात बरसती है, सुनता हूं तेरी करुणा दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। रघुबर के चरणों की, प्रभु जी के चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। ए नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। राघव के चरणों की, रघुबर के चरणों की। अब ये अंतिम पंक्तियां हैं इस भजन की और ये प्रार्थना सभी को कर लेनी चाहिए, तो सभी साथ में करें। रघुबर के चरणों में बस एक प्रार्थना है, रघुबर के चरणों में बस एक प्रार्थना।
प्रार्थना है राघव के चरणों में बस एक प्रार्थना है राघव के चरणों में बस एक प्रार्थना है जब दम निकले मेरा जब दम निकले मेरा तू सामने आ जाए जब दम निकले मेरा तू सामने आ जाए राघव के चरणों की रघुबर के चरणों की गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए राघव के चरणों के रघुबर के चरणों के चरणों की धूल का ये महात्मा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में नंगे पैर घूमे 11 वर्ष गैया चराते हुए, तो आज भी ब्रज की रज का बड़ा भारी महत्व माना जाता है। इसी प्रकार भगवान श्री राम चित्रकूट में 12 वर्ष रहे वनवास में, तो नंगे पैर ही रहे। तो अभी 500 वर्ष पहले जब गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में रहा करते थे, तो एक राजा हाथी पर बैठकर आए और वो चित्रकूट दर्शन करने आए थे, तो अचानक पता नहीं उनके हाथी को क्या हुआ, उसने अपनी सूंड में धूल भर भर के ऊपर उड़ानी शुरू की, तो राजा का पूरा जो श्रृंगार था वो बिगड़ गया, कपड़े खराब हो गए। तो राजा ने अपने महावत को कहा कि हाथी शायद पागल हो गया है, और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसका वध कर दो, इसको मार दो। तो हाथी के प्राण बचाने को तुलसीदास जी और रहीमदास जी वहीं पर थे। तुलसीदास जी ने रहीमदास जी से एक प्रश्न पूछा दोहे में कि धूर धरत निज शीश पर कहो रहीम कही काज। तो रहीम ने कहा कि जही रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। ये हाथी जानता है कि भगवान के चरणों की रज से अहिल्या का उद्धार हुआ था, तो अपना उद्धार करने के लिए यहां के रज को ऊपर उड़ा रहा है कि मेरा भी उद्धार हो जाए शायद। तो ये भगवान के चरणों के रज की विशेषता है। विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। अब भगवान अहिल्या जी के पास खड़े हैं। भगवान ने कहा क्या करना है गुरुदेव? बोले इनके शिला जो है इनके सिर पर अपना चरण रखो। भगवान ने कहा ये तो नहीं हो सकता गुरुदेव, क्योंकि ये ऋषि पत्नी है और मैं एक सम्राट का पुत्र हूं, तो हम लोगों के यहां ऋषियों के चरणों की पूजा होती है, कोई ऋषि के सिर पर हम पैर कैसे रख सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता। भगवान को गुरुदेव ने कहा कि राघव आप पुराने बामन हो, आप अपने को क्षत्रिय मत मानो, आपसे बड़ा बामन इस पृथ्वी पर कोई हुआ नहीं आज तक। भगवान ने कहा मैं बामन कैसे हुआ? तो गुरुजी ने याद दिलाया कि बामन अवतार किसने लिया था, आप ही तो थे। मीन कमठ शूकर नरहरी बामन परशुराम बपुधरी, सब आप ही ने तो अवतार लिए हैं। भगवान ने कहा वो तो ठीक है गुरुदेव। भगवान को अपना बामन अवतार याद आ गया। जब आप सुंदरकांड का पाठ करते होंगे तो किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा पढ़ते ना, बलि बांधत प्रभु बाढ़ सो तनु भरन न जाए, उभय घरी में दीनी सात प्रदक्षिण जाए, जामंत जी बता रहे हैं। यानी बामन से जब भगवान विराट हुए तो कैसा स्वरूप था उनका, एक पग से पूरी पृथ्वी को नापा और दूसरे पग से पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। वही जो पग था जब वो उठता हुआ ब्रह्मलोक में पहुंचा, भूर्भुव स्वः मह जनः तपः सत्यलोक में, तो ब्रह्मा जी ने उस पैर का अंगूठा अपने कमंडल से धोया
और वही जल ब्रह्मा जी का, वो गंगा जल बनकर पृथ्वी पर आया। इसलिए गाते हैं ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी। तो जिस समय भगवान बामन से विराट हुए, उस समय बलि की जो माता जी थी, बलि के पिताजी की तो मृत्यु हो गई थी, विरोचन, वो तो देवासुर संग्राम में जब देवता अमृत पीकर अमर हो गए थे तो विरोचन मारे गए थे, लेकिन बलि की माताजी जीवित थी और माताजी ताली बजा बजा कर नाच रही थी, गा रही थी। बलि ने कहा, क्या मां इतनी प्रसन्न क्यों? मां ने कहा, भली में वैरोचन संग नाई जरी, बेटा अगर मैं आपके पिताजी के साथ सती हो गई होती तो आज मुझे परमात्मा के विराट स्वरूप का दर्शन ना होता, आपने मुझे धन्य कर दिया, मैंने परमात्मा के विराट स्वरूप को देखा। फिर उदास हो गई बलि ने कहा, उदास क्यों हो गई मां? मां ने कहा, लक्ष्मी जी नहीं है, नारायण अकेले हैं, अगर साथ में लक्ष्मी भी होती तो लक्ष्मी नारायण दोनों का दर्शन होता। बलि ने कहा, चिंता मत करो मां, आपका पुत्र हूं ना, लक्ष्मी भी आएंगी। और जब भगवान ने बलि को इंडोनेशिया भेज दिया, सुतल, शास्त्र में लिखा है सुतल, भारत के नीचे पृथ्वी के जो सात तल हैं, अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, तो सुतल जो तल है वो इंडोनेशिया और मलेशिया का क्षेत्र माना जाता है। अगर आपको कभी विदेश घूमने का मन करे तो आप बाली द्वीप जाइए, इंडोनेशिया का बाली पूर्णतः भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण है, जितनी श्रद्धा आपको यहां नहीं मिलेगी उससे ज्यादा वहां मिलेगी, इतने दिव्य मंदिर, गंगा जी के प्रति तो अद्भुत श्रद्धा है। सम्राट बलि ने उसी को केंद्र बनाया था, भारत से तो उनको हटा दिया था। तो सुतल, वो बाली जो द्वीप है वो बिल्कुल बिल्कुल भारत की तरह है, उसके भी उत्तर में ठंडा पहाड़ है और दक्षिण में सागर है। तो वहां सम्राट बलि रहने लगे, लेकिन उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि जैसे आप बामन रूप में आए तो आप जब मुझे निकाल रहे हो यहां से, तो मैं बस ये वरदान मांग रहा हूं कि जहां भी मैं रहूं, मैं अपना जो घर बनाऊंगा वो 52 दरवाजों का महल होगा, और मैं अपने दरवाजे से जब भी निकलूं या प्रवेश करूं, आप मेरे द्वार पर द्वारपाल के रूप में मुझे दर्शन प्रदान करें। देखिए कितना चतुर व्यक्ति है, क्योंकि देवता जीत गए हैं, बलि हार गए हैं, तो देवता कहीं उसको नष्ट ना कर दें आक्रमण करके, इसलिए उसने भगवान को अपना अंगरक्षक, अपने द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। अब जिसके द्वारपाल नारायण हो उसकी ओर कौन आंख उठा के देख सकता है। इसलिए जब आप बाली घूमने जाएंगे अभी भी, तो हर घर के दरवाजे पर एक सिंहासन, एक चौकी रखी मिलेगी। यानी बाली द्वीप के लोगों की आज भी यह मान्यता है कि भगवान हमारे द्वारपाल हैं। आज भी वहां का टैक्सी का ड्राइवर भी अगर टैक्सी स्टार्ट करता है तो टैक्सी के बोनट पर पहले प्रसाद का दोना रखता है, पहले भोग लगाता है, गाड़ी को भी। इतनी श्रद्धा है, इतना सुंदर सांस्कृतिक जीवन है। मैं तो 9 दिन वहां रहा, पूरी कथा की। तो भगवान बलि के द्वारपाल बन गए, लेकिन इंडोनेशिया में भारत का BSNL काम नहीं करता था। अब लक्ष्मी जी बहुत तेरा फोन लगाए, प्रभु गायब। लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु कहां गए? तो ब्रह्मा जी ने कहा, वो तो भक्तों के चक्कर में फंस जाते हैं, इस समय बलि के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो कैसे मिलेंगे हमको हमारे प्रभु? ब्रह्मा जी ने कहा, वो आदमी सिद्धांतों का पक्का है, जो बलि है वो भले ही राक्षसों का राजा है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा व्यक्ति है। अगर आप उसको राखी बांधोगी जाके, उसकी बहन बनोगी, तो वो आपको नारायण सौंप देगा, क्योंकि बहन तो जो मांगे वो देना पड़े। तब लक्ष्मी जी राखी बांधने गई, और जब लक्ष्मी जी राखी बांधने गई तब बलि ने अपनी माता जी से कहा, मां देखो लक्ष्मी आ गई, अब लक्ष्मी नारायण के साथ फोटो खिंचवा लो। आपकी इच्छा थी ना लक्ष्मी का दर्शन करने, लक्ष्मी आ गई। तो आज भी बाली में जो सबसे बड़ा मंदिर है उसका नाम है उलून धानु। उलून धानु माने, धानु माने धन की देवी, उलून माने उल्लू पर विराजमान। लक्ष्मी के दो वाहन है, उल्लू और गरुण। गरुण पर आती है नारायण के साथ, उल्लू पर अकेली बैठती हैं। असुरों को उलूक वाहिनी प्रिय हैं,
देवताओं को गरुण वाहिनी प्रिय है। तो चूंकि वो असुरों का देश हो गया था, अतः उलूक वाहिनी हुई, उलून धानु वो मंदिर है, बड़ा मंदिर है। तब लक्ष्मी जी ने राखी बांधी। बलि ने कहा मैं जानता हूं कि आप नारायण को लेने आई हैं, ले जाइए। आज तक दुनिया के किसी भाई ने अपनी बहन को ऐसा उपहार नहीं दिया होगा जो मैं दे रहा हूं। मैं साक्षात नारायण को आपको भेंट कर रहा हूं, ले जाइए। लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू आ गए, बहुत रोई और उन्होंने अपने पति से कहा कि आप वास्तव में इतने निष्ठुर हैं, इतने कठोर हैं। अपने भक्त को देखिए, उसने भगवान को दे दिया और आप इसे कुछ नहीं दे रहे। आपने इसका सर्वस्व ले लिया छल करके बामन के रूप में जाके, कुछ तो दीजिए। तब भगवान ने कहा बलि, छठे मनमंत्र में आप दैत्यों के सम्राट हुए, लेकिन सप्तम मनमंत्र में मेरा आशीर्वाद है आप देवताओं के सम्राट हो गए, इंद्र बनो। आज बलि इंद्र हैं, हम सबके जो इंद्र हैं आज वो कौन है? बलि। आज भी केरल में जो ओणम के त्योहार की 3 दिन की छुट्टी होती है वो इसीलिए होती है कि केरल वासियों की मान्यता है कि सम्राट बलि उनसे मिलने आते हैं। तो जब विश्वामित्र ने कहा कि आप स्वयं बामन हो इसलिए पैर रख सकते हो इनके सिर पर, प्लीज उद्धार करो। भगवान ने दूसरी बात कही, ये नारी है, मैं रघुवंशी हूं, हमारे यहां तो पराई नारी की ओर दृष्टि भी नहीं डालते। आप सिर पर पैर रखने की बात कर रहे हैं, मैं ब्रह्मचारी भी हूं, ब्रह्मचार्य आश्रम में स्पर्श दोष है। मेरे गुरु जी ने कहा राघव, आप दुनिया की सबसे महान नारी हो, आप जैसी नारी तो कोई हुई नहीं आज तक, आप अपने को पुरुष क्यों मान रहे हो? भगवान ने कहा मैं नारी भी हूं गुरुदेव। बोले हां, आप जैसी नारी कोई हुई हो तो बताओ, मोहिनी रूप जब आपने धारण किया था, आपने सागर मंथन पर मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मदरा बांट दी थी, देवताओं को अमृत पिला दिया था, सारे दैत्य पागल हो गए थे आपको देखकर, उनको होश ही नहीं रहा कि क्या आप बांट रहे हैं, यहां तक कि महादेव भी आपके दीवाने हो गए थे। तो प्रभु आप तो नारी भी हैं, इसलिए करिए कृपा। भगवान ने कहा गुरुदेव आप तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की तरह खड़े हैं, ये तो ठीक है कि ये नारी भी है, नारी वाले प्रश्न का भी समाधान हो गया, बामन वाले प्रश्न का भी समाधान हो गया, लेकिन ये तो पत्थर है ना गुरुदेव, जड़ है, जड़ में से कैसे चेतन प्रकट होगा? गुरुदेव ने कहा यही तो चैलेंज है। सत्युग में एक भक्त हुआ था प्रहलाद, जिसने पत्थर के खंभे से परमात्मा को प्रकट किया था, जड़ में से चेतन को। आज परमात्मा को चैलेंज है कि वो पत्थर में से भक्त को प्रकट करे। जब भक्त पत्थर में से भगवान को प्रकट कर सकता है तो भगवान क्या पत्थर में से भक्त को प्रकट नहीं कर सकते? बस भगवान का दाहिना चरण उठा, अहिल्या जी को स्पर्श हुआ और स्पर्श होते ही अहिल्या जी खड़ी हो गई, आंखों से आंसू बहाती हुई बहुत सुंदर स्तुति गा रही हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर छंद लिखा है, परसत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही, राज राम 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 रज राम 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 रज राम 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 रज राम राम राम। अहिल्या जी भगवान की स्तुति कर रही हैं, आंखों से आंसुओं की धार बह रही है और अहिल्या जी ने स्तुति में कहा कि प्रभु मैं जानती हूं कि आप समाज को सुखी करने के लिए आए हैं। भगवान ने कहा कैसे सुखी करूंगा? बोले आप रावण को मारेंगे, मैं देख रही हूं कि आप रावण को मार रहे हैं,
अब देखिए ये परमात्मा के चरणों की रज की कृपा है कि अहिल्या को 26 साल बाद होने वाली घटना अभी दिखाई पड़ रही है। अहिल्या जी ने कहा मैं देख रही हूं, अभी तो भगवान की शादी नहीं हुई है भाई साहब, अभी शादी होगी, फिर 12 साल अयोध्या का वास होगा, फिर 14 वर्ष का वनवास होगा, वनवास के अंतिम वर्ष के अंतिम समय में भगवान रावण को मारेंगे, यानी 26 वर्ष बाद रावण मरेगा। तो अहिल्या जी अभी से घोषणा कर रही है कि मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाही पाही शरण आई राम 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 रज राम 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 रज राम 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 रज राम राम राम। अहिल्या जी ने कहा प्रभु आज गंगा दशहरा पर आपने मुझे शंकर बना दिया, मैं ऐसी अनुभूति कर रही हूं कि शिवोहम शिवोहम, मैं भी शिव हूं। भगवान ने कहा कैसे? बोले भगवान शिव के जटाओं में जो गंगा जी आई वो आपके चरणों से ही तो निकली, और जब आपका चरण मेरे शीश पर आया तो गंगा जी भी तो मेरे शीश पर आ गई प्रभु, तो मैं शिव हो गई, क्योंकि मेरी भी जटाएं बहुत बढ़ गई राघव, इतने लंबे समय तप करने में मेरी भी जटाएं, मेरी भी जटाओं में गंगा जी आ गई, आज आपका चरण आ गया। जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरी सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरयो कृपाल हरि रज राम 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 रज राम 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 रज राम 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 रज राम राम राम। अहिल्या जी लगातार स्तुति कर रही है, भगवान ने कहा देवी हमको आगे जाना है, देर हो रही है, आप कोई वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं आपके तप से, आप भारत की प्रातः स्मरणीय नारियों में गिनी जाएंगे, लेकिन आप कोई वर मांगना चाहें तो मांग लें। अहिल्या जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बुद्धि संसार की चीजों के लोभ में पड़ गई, इसलिए तो मेरा पतन हो गया, मुझे परमात्मा ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वर प्रदान किया था, दुनिया का सबसे तेजस्वी ऋषि मेरा पति था, लेकिन मैं संसार की बाकी भौतिक सुविधाओं के चक्कर में मेरे जो वर मुझे परमात्मा ने दिए थे वो वर, मेरे वर मुझे दोबारा प्राप्त हो जाए, मेरे पति गौतम ऋषि मुझे लेने आए, बस मैं अपना वर चाहती हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने तथास्तु कहा तो गौतम ऋषि प्रकट हो गए तुरंत। अहिल्या ने अपने पति के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और कहा प्रभु कितना बड़ा उपकार किया कि आपने मुझे श्राप दिया, आप अगर श्राप ना देते तो साक्षात परमात्मा के दर्शन कैसे होते, उनके चरणों की रज कैसे मिलती, मुझे तो आज आप भी मिल गए, परमात्मा भी मिल गए और गुरु भी मिल गए, तीनों का संगम हो गया। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि अहिल्या जी अपने पति को धन्यवाद दे रही हैं। मुनि श्राप जो दीना अति फल कीना परम अनुग्रह में आना देखे उभरि लोचन हरि भव मोचन इहि लाभ शंकर जाना राजा राम 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 राजा राम 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 यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हर चरण परी जो अति मन भावा सो बर पावा गई पति लोक आनंद भरी राजा राम 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 रज राम 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 बोलिए पतित पावन भगवान की जय। तभी से उनका नाम हो गया रघुपति राघव राजा राम पतित के पावन सीताराम। एक छोटा सा निवेदन सुन लीजिए, एक कथा तो आपने बहुत बार सुनी है,
मनुष्य की बुद्धि पतन की ओर क्यों जाती है, इस पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दो श्लोक बोले हैं, और वो जरा ध्यान से सुन लीजिए। भगवान ने कहा जब हम किसी भी संसार की वस्तु का ध्यान करेंगे, किसी भी विषय का ध्यान करें, विषय माने जैसे जीभ का विषय स्वाद है, जैसे नेत्र का विषय रूप है, जैसे नाक का विषय गंध है खुशबू, जैसे त्वचा का विषय स्पर्श है, ऐसे जितने भी विषय हैं जब हम किसी का भी ध्यान करेंगे तो उसमें हमारा मन उसमें रस लेना शुरू करेगा, उसमें आसक्ति होनी शुरू होगी, फिर उसे पाने की कामना होगी, और कामना पूरी ना होने पर मन विचलित होगा, क्रोध आएगा, या तो चिड़चिड़ापन होगा या तो डिप्रेशन होगा, और फिर हमारी बुद्धि इतनी उसमें फंस जाएगी, सम्मोहित हो जाएगी कि हम ये भी भूल जाएंगे कि हम हमारे माता पिता ने हमको कैसे संस्कार दिए, हमने क्या शपथ ली। बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग भूल जाते हैं कि हमारी क्या शपथ है, और फिर बुद्धि पतन की ओर चली जाती है। देखिए दुनिया में जिसका भी पतन हुआ उसके ऊपर ये दोनों श्लोक अप्लाई होते हैं जो भगवान ने गीता में बोले। भाई साहब मेरी ये सूचना उनको पता नहीं था, अभी पहला मामला है, लेकिन आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन, अगर किन्हीं को किसी काम से उठने के बीच में आवश्यकता लगती हो तो थोड़ी देर धैर्य धारण करके बैठें, बीच में जब कोई भजन गाया जाए तब जाएंगे तो उसमें कथा में डिस्टर्ब नहीं होता, नहीं तो वो चिंतन का, क्योंकि कथा के बीच में जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं ये अब अगर कथा ही सुनानी हो तो वो तो आप सबको पता ही है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। 10 रुपए का घोटाला करने वाला हो, चाहे 10,000 करोड़ का घोटाला करने वाला हो, चरित्र से गिरने वाला हो चाहे अर्थ से गिरने वाला हो, जो भी हो वो उसके ऊपर ये दोनों श्लोक काम करते हैं। दुनिया का कोई भी केस आप देख लीजिए, अहिल्या ने चूंकि गौतम की पत्नी रहते हुए इंद्र के वैभव का चिंतन किया, अब अगर हम धार्मिक क्षेत्र में हैं और हम राजनीतिक क्षेत्र के वैभव का चिंतन करें कि हमारी गाड़ी के आगे भी 4 गाड़ी नीली बत्ती की स्कॉर्पियो, पीछे एस्कॉर्ट वगैरह वो सब चले, जेट प्लस वगैरह, तो फिर हम इसमें क्यों, इस क्षेत्र में हमें उसी क्षेत्र में चले जाना चाहिए, हम उसी क्षेत्र में जाए ना। तो मनुष्य जब दूसरी चीज का चिंतन करता है तो उसमें फिर उसकी आसक्ति, फिर उसकी कामना, फिर कामना पूरी ना होने पर उसके तमाम प्रकार के दुष्परिणाम, बुद्धि का भ्रमित होना और फिर पतन की ओर जाना, ऐसा होता है। इसलिए परमात्मा के नाम का सुमिरन, ये जो हमारे संत इतना कहते हैं ना, भैया राम नाम लो, राम नाम लो, रामायण पढ़ो, यज्ञ करो, मंदिर के दर्शन करो, परिक्रमा करो, इसीलिए कि हमारी बुद्धि सांसारिक विषयों से जो हमारे लिए नहीं है उससे दूर रहे। इसलिए हमारे यहां बहुत सुंदर गाया गया एक बड़ा सुंदर भजन, आपने सुना होगा, भजमन राम चरण सुखदाई। अहिल्या जी को तो राम जी के चरणों की रज मिल गई, एक मिनट हम लोग भी उनके चरणों का ध्यान करें। भजमन राम चरण सुखदाई, भजमन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजमन राम चरण सुखदाई, भजमन राम चरण सुखदाई, भजमन राम चरण सुखदाई। Thank you.
सब लोगों की मीठी मीठी ताली बहुत। जिन चरणन सो निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई। जिन चरणन से निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई। सुर सरी माने सुर सरिता, देवों की नदी अर्थात गंगा जी। आज गंगा दशहरा है, इसलिए जरा गाइए सब लोग। जिन चरणन सो निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई। जिन चरणन सो निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम परो है, जटा शंकरी नाम परो है। अधम उदाहरण आई भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे मन लाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे मन लाई। सोई चरण के बट धोए लीने, सोई चरण के बट धोए लीने। तब हरि नाव चढ़ाई भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण संतन जन सेवत सदा रहे सुखदाई। सोई चरण संतन जन सेवत सदा रहे सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, सोई चरण गौतम ऋषि नारी। परस परम पद पाई भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। इधर आगे कुर्सियां खाली हों तो जरा देख लें, इधर से आ जाएं माँ, आप गैलरी में आ जाएं, आगे कुर्सियां खाली हैं, इधर बैठने की जगह। एक आधा कार्यकर्ता चिंता कर लें बिठाने की। अहिल्या जी का उद्धार करके भगवान गंगा जी में स्नान किए। आइए जरा भगवान के साथ सब लोग गंगा जी में डुबकी लगा लीजिए, चूंकि आज किसी ने गंगा जी में डुबकी तो नहीं लगाई होगी। सरयू जी का भी बहाव इतनी तेज है कि हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो आज मानसिक रूप से सब लोग गंगा जी में डुबकी लगा लीजिए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावन गंगा। और गाधि सुन सब कथा सुनाई जेही प्रकार सुर सर बही आई। ध्यान रखिए गंगा दशहरा पर गंगा जी की कथा सुनना बड़ा शुभ होता है, तो गुरु विश्वामित्र स्वयं भगवान राम को गंगा जी की कथा सुना रहे हैं। राघव आप ही के पुरखे लेकर आए थे, चार पीढ़ियां लगी थी, महाराजा समंजस, महाराजा अंशुमान, महाराज दिलीप, महाराज भगीरथ, तब गंगा जी पृथ्वी पर आई, आप ही के पुरखे लाए। तो गंगा जी की कथाएं भगवान सुन रहे हैं।
कथाएं सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। जब सीता जी के साथ वनवास में जाएंगे तो गंगा जी पार करते समय गंगा जी की कथाएं सीता जी को सुनाएंगे। गंगा जी को दर्शन करने से, स्पर्श करने से, उनका नाम ही लेने से उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला गंगा जी के तट पर ही लगता है, कुंभ का मेला। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी गंगा जी के बेसिन में ही निवास करती है। 40 करोड़ आबादी गंगा जी की दोनों ओर भारत में निवास करती है। इतनी बड़ी आबादी का घनत्व तो दुनिया की किसी भी नदी के आसपास नहीं है। ये गंगा जी की विशेषता है। तो आइए, अभी आपने एक भजन गाया, अब गंगा जी की महिमा और गा लें। आज गंगा दशहरा है, चूंकि भगवान गंगा जी की कथा सुनने, अब आप ठीक से डुबकी लगा लेंगे तो आगे फिर आपको चलना है भगवान की ससुराल, भक्ति माँ के चरणों में चलना है। तो पहले गंगा जी को भी भक्ति की धारा कहा गया है, तो गंगा मैया में डुबकी लगा के फिर भक्ति माता के चरणों में हम लोग चलेंगे। वैसे नहाते तो आप रोजाना होंगे, क्यों भाई सब, या गैप कर देते हैं? नहीं, कई लोग जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं, ऐसा तो नहीं, रोज ही नहाते होंगे। अच्छा, रोज नहाते हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे। कोई भी व्यक्ति शांत नहीं नहा सकता, कुछ ना कुछ बोलेगा। अब गर्मी पड़ेगी और पानी ठंडा होगा तो उसे आनंद आ जाएगा, और जाड़े में अगर ठंडा पानी शरीर पे पड़ जाए तो क्या बोलता है? तो मेरा निवेदन है कि जब भी आप स्नान करें, अपने हाथ में थोड़ा सा जल लें, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, सिंधु, कावेरी, सरयू जी, गोमती जी, जो भी आपको याद आती है नदियां, सबका नाम लें और जल में छोड़ दें। गंगा चाह, यमुना चाह, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, जले अस्मिन सन्निधिम कुरुम, मंत्र याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो सबका नाम ले लें। और जब सिर पर जल डालें तो अपने मुख से बोलें, हर हर गंगे जय शिव शंकर। क्या बोलें? हर हर गंगे, हर हर गंगे जय शिव शंकर। अगर हर हर गंगे जय शिव शंकर करके आप स्नान करेंगे तो स्नान भले ही अपने घर में करेंगे, अपने बाथरूम में करेंगे, लेकिन आपको आनंद इतना आएगा जैसे साक्षात हर की पैड़ी पर गोता लगाकर आए, जैसे हरिद्वार में डुबकी लग गई हो। तो ये गंगा मैया की विशेषता है कि आप यहीं से भी उनको सुमरण करें, प्रतिदिन उनका नाम गाएं और प्रेम से मेरे साथ ताली बजाकर डुबकी लगाते जाएं मानसिक रूप से। पापी भी तूने तार दिए, जय हो गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय हो गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय हो गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय हो गंगा मैया। हमारे जो श्रोता बैठे हैं पीछे वाले, वो कथा सुनने में इतने मगन हैं कि हमने कहा कि थोड़ा भाई साहब आगे की कुर्सी खाली हो तो उसे पूरा कर लें, लेकिन वो इतनी समाधि लग चुकी है कि वो आगे की कुर्सी भरने को राजी नहीं है। मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया थोड़ा सा हिलिए और अपने आगे की कुर्सियों को भर लीजिए तो पीछे जो बंधु आएंगे उनको जगह मिल जाएगी। प्रेम से गाइए। पापी भी तूने तार दिए, जय हो गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय हो गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय हो गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय हो गंगा मैया। ब्रह्म कमंडल में से निकली शंकर जटा समैया, ब्रह्म कमंडल में से निकली शंकर जटा समैया। हे ब्रह्म कमंडल में से निकली शंकर जटा समैया, ब्रह्म कमंडल में से निकली शंकर जटा समैया। भोले तेरी करें आरती, भोले तेरी करें आरती, ऋषि मुनि तेरी करें आरती, ऋषि मुनि तेरी करें आरती। अमृत नीर बहैया, पापी भी
तूने तार दिए जय हो गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे जय शिव शंकर, 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 पापी भी तूने तार दिए जय हो गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए जय हो मैया। जय हो जो गंगे का ध्यान धरे स्नान करे नित भैया, जो गंगे का ध्यान धरे स्नान करे नित भैया, जो गंगे का ध्यान धरे स्नान करे नित भैया, जो गंगे का ध्यान धरे स्नान करे नित भैया। सुख संपत्ति की कमी न रहती, संपत्ति की कमी न रहती, हरि भक्ति की कमी न रहती, हरि भक्ति की कमी न रहती, पाप कटे नित भैया, पापी भी तूने तार दिए जय हो गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए जय हो गंगा मैया। अरे हर हर गंगे जय शिव शंकर, 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 बोलिए गंगा मैया की जय। सबने गंगा जी का गुणगान किया, सबको गंगा दशहरा के दिन अपार पुण्य की प्राप्ति इससे होती है, मन पवित्र होता है। दरस परस मज्जन और पाना, हरई पाप कह वेद पुरा। गंगा जी में स्नान करके भगवान जनकपुर की ओर बढ़े हैं और जनकपुर में एक आम के बगीचे में गुरु जी ने कहा यहां ठहरेंगे। समाचार भिजवा दिया राजा जनक को कि विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। अब आप जनकपुर में आ गए, थोड़ा ध्यान से बैठिए, क्योंकि आप अवध के लोग हैं, वहां भगवान की ससुराल है, जो बुजुर्ग बैठे हैं वो समधी होंगे। ऐसे अपने अपने रिश्ते मान लीजिए, आप भी जरा ध्यान से बैठिए। तो जैसे अवध के नर और नारी यहां बैठे हैं, वैसे जनकपुर के नर और नारी कैसे हैं, उनसे जरा आपका इंट्रोडक्शन मुझे कराना। पहले शादियों में ना सबका इंट्रोडक्शन होता था, आपस में सबका परिचय कराया जाता था, मामा मामा का सम्मान करता था, मौसा मौसा का सम्मान करता, ऐसे होता था ना। अब तो वो केवल डीजे ही बजता रहता है, कुछ होता ही नहीं। तो जरा जनकपुर के लोग कैसे हैं, क्योंकि वहां भक्ति देवी का अवतार हुआ, कैसी वहां की पात्रता होगी, वो एक चौपाई जरा आप सब लोग मेरे साथ करें। सभी को दोहरानी है, पुर नर नारी सुभग शोचि संता, पुर नर धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जय हो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करू प्राणिधान की, पुर नर नारी सुभग शोचि संता। जनकपुर के जितने स्त्री पुरुष हैं वो पवित्र मन के संत जैसे, बड़े ज्ञानी, बड़े धर्मात्मा, शीलवान, इसीलिए तो वहां मां ही हैं। अच्छा, प्रजा कैसी होती है भाई साहब? जैसा राजा होता है, यथा राजा तथा प्रजा। राजा अच्छा होगा तो प्रजा अच्छी होगी, क्योंकि संस्कार नीचे से ऊपर नहीं जाते, ऊपर से नीचे आते। यज्जदा चरति श्रेष्ठा तत्व देवेत्तरो जना, श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते नीचे के लोग वैसे ही आचरण करते। और राजा जनक कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े विद्वान हैं, तो आप सब जानते हैं। उनको कहा ही विदेह जाता है, जो देह भाव से ऊपर उठ चुके,
वो किसी के शरीर से, उसके धन से, उसके आभूषणों से, उसके वस्त्रों से, उन चीजों से प्रभावित नहीं होते। आत्मदर्शी महात्मा है। बड़े बड़े विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। केवल राजनीतिक लोग नहीं रहते उनके दरबार में, बड़े बड़े विद्वान, महर्षि याज्ञवल्क, महर्षि अष्टावक्र, एक से एक बड़े विद्वान, ऐसी दिव्य उनकी संगति है। और देखिए वो कितने पवित्र आत्मा होंगे। जानकी जी के जन्म की कथा तो आप सबने सुनी है कि जब अकाल पड़ा, ज्योतिषियों ने कहा राजा सोने का हल चलाएगा तब बारिश होगी, राजा ने सोने का हल चलाया। इस कथा का मतलब समझते हैं आप? हमारे यहां लिखने की ये पद्धति है। सोने का हल चलाने का मतलब क्या है? अकाल पड़ेगा तो जनता भूखी होगी कि नहीं? अभी कोरोना लगा तो सरकार ने जनता को कम से कम एक साल से भी अधिक का राशन फ्री दिया है। जो बीपीएल कार्ड वाले हैं, 80 करोड़ लोगों को अभी भी घोषणा कर दी अगले अक्टूबर नवंबर तक का राशन फ्री। भले वो खाएं ना खाएं वो बात अलग है, लेकिन उस समय जब राशन ही समाप्त हो गया, 12 साल बारिश नहीं हुई, तो सोने का हल चलाने का मतलब है कि राजा अपना खजाना खर्च करे। राजा के पास जो अपना संचित धन है, हल चलाना माने कर्म करना। किसान हल क्यों चलाता है? क्योंकि बीज बोता है। बीज क्यों बोता है? क्योंकि उसका लालच होता है, एक दाना बोऊंगा 100 दाने निकलेंगे। बिजनेस ही तो है खेती। आप एक धान का दाना बोएंगे, धान की बाली पे 100 दाने लगेंगे। आप एक मक्का का दाना बोएंगे, भुट्टे पे 100 दाने लगेंगे। लेकिन राजा जनक ने फसल लेने के लिए हल नहीं चलाया, बीज बोने के लिए हल नहीं चलाया। इसको कहते हैं निष्काम कर्म करना। उनकी कोई कामना नहीं है, क्योंकि उनको वोट नहीं लेना जनता का। ये भी ध्यान रखिए, वो वोटिंग वाले सम्राट नहीं है। अभी तो राजा जितने निर्णय करते हैं वो अपना वोट बैंक देखकर करते हैं। लेकिन सम्राट जनक को तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस समय वोट पड़ते ही नहीं थे, उस समय तो तलवार से शासन होता था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना निजी धन वो खर्च किया, तब उनको जानकी जी मिली। भक्ति कब मिलती है? जब आप सबके अंदर परमात्मा का अनुभव करते हुए, सीए राम में सब जग जानी का अनुभव करते हुए, दूसरों का दुख दर्द मिटाने के लिए अपना निजी धन भी खर्च कर देते हैं, स्वयं लग जाते हैं। बातें तो बहुत लोग करते हैं, जनक जी ने तो किया। आपके हृदय में इतनी करुणा, इतनी, चूंकि धर्म का एक लक्षण है दया, तपः सत्यम दया शौचम, पवित्रता दया तप और सत्य, ये धर्म के चार चरण हैं। और दया कैसे करेंगे आप? दया का एक ही तरीका है, दान करिए। आप किसी पर दया करेंगे, किसी को कपड़ा दिलवाएंगे, किताबें दिलवाएंगे, भोजन करवाएंगे, पैसा तो खर्च होगा ना जी, और कैसे दया करेंगे? उस जनकपुर में भगवान पहुंचे हैं और गुरुजी को बिठाकर, गुरुजी को कहा हम आपके लिए कंदमूल फल पानी वगैरह लेकर आते हैं। तब तक दोनों भाई गए, तब तक जनक जी आ गए। जनक जी ने गुरुजी का स्वागत किया और तब तक कंदमूल फल लेकर जैसे ही राम जी आए, तो राम जी के आते ही गुरुजी खड़े हो गए। गुरु विश्वामित्र जैसे ही खड़े हुए तो उनके साथ जितने और सन्यासियों की मंडली थी वो भी खड़ी हो गई। तो राजा जनक ने सोचा भाई इतने बड़े महर्षि ब्रह्मर्षि खड़े हो गए, इसका मतलब बहुत बड़े कोई वीआईपी हैं। तो राजा जनक भी खड़े हो गए, और राजा जनक खड़े हुए तो उनके साथ जो उनके कैबिनेट मंत्री आए हुए थे वो भी खड़े हो गए, यानी पूरा सदन खड़ा हो गया। तो गोस्वामी जी ने लिखा उठे सकल जब रघुपति आए। किसी ने पूछा खड़े क्यों हुए, गुरु जी को खड़े होने की क्या आवश्यकता थी, ये तो उनके चेले हैं। बोले व्यक्तिगत रूप से तो चेले हैं, लेकिन सामाजिक रूप से अगर आप देखेंगे तो चेलों के कर्म इतने महान हैं कि गुरु को सम्मान में खड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने सन्यासियों को हत्याएं करने वाले, ऋषियों की हत्या करने वाले ताड़का मारी सुबाहु का वध किया है, अभी अहिल्या को तारा है। तो आपका सम्मान केवल इसलिए नहीं होता कि आपका सम्मान आपके कर्मों से होता है। आपका बेटा अगर परमवीर चक्र प्राप्त करेगा बॉर्डर पर सैनिक के रूप में, तो
तो आपका गांव उसका सम्मान करेगा कि नहीं करेगा? गांव का बेटा जब शौर्य का प्रदर्शन करता है तो उसके पिताजी भी, उसके दादाजी भी, पूरे गांव के सब रिश्तेदार भी सब सम्मान करते। जनक जी की नजरें सीधी राम जी के चेहरे पर, इतना सुंदर मुखमंडल प्रभु का। जिन जनक जी को विदेह कहा जाता था, जो कभी किसी की सुंदरता से प्रभावित नहीं होते थे, वो भगवान के चेहरे की ओर एकटक निहार रहे हैं। अब विश्वामित्र जी को आनंद आ रहा है कि मेरे राघव के रूप का जादू चल गया। ये राजा मानते थे कि हम किसी से प्रभावित नहीं होंगे, प्रभावित हो गए। तो जनक जी ने प्रश्न पूछा विश्वामित्र जी से, लेकिन देख रहे हैं राम जी की ओर। अब आप ऐसा मानिए जैसे विश्वामित्र जी इधर बैठे हैं और राम जी इधर खड़े हैं, तो जनक जी देख रहे हैं इधर और पूछ रहे हैं इधर से। अब मैं बिना आपकी ओर देखे आपसे पूछूं तो आप कोई उत्तर देंगे क्या? नहीं देंगे। लेकिन जनक जी को इस बात से कोई मतलब नहीं। तो बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं, आप सब गाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेषी, भयउ विदेह देह विदेशी, कहू नाथ सुंदर दो बालक, कहू नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। अब आप देखिए जनक जी क्या बोल रहे हैं। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा, हे नाथ ये दोनों सुंदर बच्चे कौन हैं? विश्वामित्र जी ने उत्तर नहीं दिया। अगर आप मुझसे कोई प्रश्न पूछें और मैं आपका उत्तर ना दूं तो क्या आप अगला प्रश्न पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। लेकिन इस बात से कोई मतलब नहीं जनक जी को उत्तर मिल रहा है कि नहीं, वो इतने मगन हैं भगवान को देखने में। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या किसी राजा के बेटे हैं नृपकुल तिलक? फिर पूछा, क्या किसी ऋषि के बेटे हैं मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक? फिर भी उत्तर नहीं आया। तो फिर पांचवा प्रश्न पूछा, क्या साक्षात भगवान उतर आए हैं ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, दोनों का वेश धारण करके उभय वेश? फिर कहा, गुरुजी पता नहीं क्या हो गया, मैं दुनिया में किसी को देखकर इतना आकर्षित नहीं होता, लेकिन जब से इनको मैंने देखा है मेरा ये सहज वैराग्य बन इनको देखकर अनुराग से भरा जा रहा है। सहज विराग रूप मनमोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है ऐसे मेरा मन इनको लगातार निहारने का करता है। ये परमात्मा है। परमात्मा है। आप ध्यान रखिए, आप एक फिल्म का गाना अगर रोज गाइए तो 5-6 दिन गाने के बाद आपका पेट भर जाएगा, फिर आप उसे नहीं गाएंगे। या सुन के देखिए रोजाना, एक ही गाने को रोज सुनिए आपका पेट भर जाएगा। लेकिन जब आप घर में आरती करते हैं तो आपका कभी पेट भरता है क्या? आप उसी माला को रोज करते हैं लेकिन जिस दिन नहीं करते उस दिन आपको बेचैनी हो जाती है कि आज मेरी माला नहीं हुई। उसी पुस्तक को आप रोज पढ़ते हैं, राम रक्षा स्त्रोत पढ़ते हो, चाहे आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ते हो, चाहे कुछ भी आप करते हो, अगर रोज आप किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करते हैं तो जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन बेचैनी हो जाएगी। संसार की किसी वस्तु से आप पूर्ण तृप्त नहीं हो सकते, लेकिन परमात्मा का तो ऐसा है कि वो अनंत है, इसलिए आपका मन भी अनंत करेगा। अब ये कथा आप कितनी बार सुन चुके होंगे, पंडाल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको रामायण की कथा पता ना हो, फिर भी आप इसको सुनते हैं।
भगवान से जुड़ी हुई जो भी चीज होगी उसमें आनंद आएगा। राजा जनक लगातार निहार रहे हैं, थकित होत जिमि चंद चकोरा। तब विश्वामित्र ने धीरे से कहा, ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। राजन, अब ये ज्ञानियों की भाषा है, सबके ऊपर से उतर जाएगी। वो पूछ रहे हैं कौन है, तो ये कह रहे हैं ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, ये दुनिया में जितने भी प्राणी है ना सबको प्रिय है। अब ये क्या बात हुई, लेकिन ये ज्ञानियों की भाषा है। सबको प्रिय कौन होता है, जो अपना होता है। ध्यान रखिए, प्रेम हमेशा उससे होता है जिससे अपनापन होता है। प्रेम के लिए पहला शर्त है संबंध का होना, रिलेशन। तो दुनिया के सभी प्राणों का जिससे संबंध है वो कौन है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। इसलिए राजा जनक समझ गए भगवान है। तो भगवान को कहां ठहराना चाहिए, भक्ति के भवन में। इसलिए जानकी जी जिस भवन में रहती हैं उस भवन में भगवान को ठहराया गया। जानकी जी को जनक जी ने अपने भवन में बुला लिया और उस भवन में गुरु विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाइयों को ठहराया गया। उस भवन का क्या नाम है, उस भवन का बड़ा सुंदर नाम है। और आज आप सब लोगों को माता जानकी के भवन का नाम याद होना चाहिए और यह संकल्प करना चाहिए कि हम अपना भवन भी वैसा ही बनाएंगे। तो माता जानकी के भवन का नाम है सुंदर सदन, सीए निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जात। उसकी शोभा का क्या वर्णन है। लेकिन उस भवन की एक बड़ी विशेषता है, क्या विशेषता है वो जरा आपको गानी है। सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला। अभी सबने नहीं गाया, इसे सबको गाना है। सुंदर सदन सुखद सब काला, गाइए। तहां बासले दीन भुआला, तहां बास मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, सुंदर सदन सुखद सब काला। थोड़ा एक मिनट के लिए ध्यान दीजिए, विशेष रूप से काल कभी एक जैसा नहीं होता। अभी बरसात का काल शुरू होगा, अभी तक गर्मी का था, फिर उसके बाद जाड़े का, कभी बचपन का, कभी जवानी का, कभी बुढ़ापे का, कभी फायदे का तो कभी नुकसान का, कभी अपमान का तो कभी सम्मान का, कभी जय जयकार का कभी हाहाकार का। काल बदलता है। एक समय ऐसा होता है कि आपकी इच्छा के बिना घर का पत्ता भी नहीं हिलता, आप ही घर के करता धरता होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग बूढ़े हो चुके होते हैं और बच्चे अभी छोटे होते हैं। फिर एक समय ऐसा होता है कि जब आप बूढ़े होते हैं, चारपाई पर खांस रहे होते हैं और आपका पौत्र भी आपको पानी देने में 10 बार नखरे करता है। समय बदलता है, समय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। लेकिन जो हर काल में सुख दे, जरा जानकी मां के जीवन को देखिए। वो चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री और चक्रवर्ती सम्राट की पुत्रवधु, जिनके चरणों के नीचे कमल का पराग बिछाया जाता था, वो जब वनवास में गई तो नंगे पैर चली 14 वर्ष। लेकिन वहां भी जब वो पिताजी के घर थी तो उनके घर का नाम था सुंदर सदन, और जब वो अयोध्या में बहू बनकर आई तो अयोध्या कांड का पहला दोहा गोस्वामी जी ने गाया, जब ते राम ब्याहे घर आए, तो उसमें लिखा शुचि अमोल सुंदर सब भांति। सब प्रकार से सुंदर हो गई अयोध्या। और फिर जब वो वनवास में गई तो चित्रकूट में बैठे फटिक शिला पर सुंदर, वहां भी सुंदर,
और जब वो पंचवटी में गई तो पंचवटी जो ऋषियों के श्राप से बिल्कुल सूख गई थी उसको जानकी जी ने इतना सुंदर बना दिया, पेड़ पौधे लगा के सब हरियाली हो गई माँ की कृपा से, इतनी सुंदर पंचवटी हो गई कि सुपर्णखा पिकनिक मनाने आ गई। और जब रावण उनका हरण करके ले गया तो गोस्वामी जी ने पूरे कांड का नाम ही सुंदरकांड कर दिया। यानी आप समझ रहे, मां जहां रहेंगी वहां सुंदर शब्द जरूर है, क्योंकि पूरे जगत को जो सुंदरता प्रदान करती हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी जीवन में जितने जिनके पास भी सुख हैं मां की कृपा से ही तो हैं। इसलिए अपने जीवन के बारे में हम सब विचार करें, जरा जरा से कष्टों में हम रोने लगते हैं, जरा जरा से कष्टों में भगवान को दोष देने लगते हैं, जरा साक्षात भगवती भक्ति देवी को देखिए, जगत जननी को देखिए कि वो 14 वर्ष वनवास में कंदमूल बल खाके और कुटिया में और कुश के आसन पर सोई हैं, तो भी उन्होंने तो कभी शिकायत नहीं की। तो ये जो संसार के सुख दुख हैं आएंगे जाएंगे, लेकिन जिसको भगवान पर भरोसा है और जो भगवान का भक्त है वो हर परिस्थिति में आनंद का जीवन जिएगा और क्या गाएगा, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन गाइए सुखद सब काला, तहां बासले दीन भुवाला, तहां बासले दीन भुवाला, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हम सबका मन सुंदर सदन बने, हम सबका जीवन सुंदर सदन बने। ये जो आयु है हमको कितने साल को मिली है, अगर आप ध्यान देंगे तो मुश्किल से 80 साल 90 साल, अब 100 साल वाला मामला तो किसी किसी को नसीब होता है। अब ये 70-80 साल के जीवन में एक संबंध आपको कितने दिन निभाना है, माता पिता हैं तो वो आप उनके घर में 25 वर्ष बाद आते हैं तो उनके साथ एक 50-60 साल का जीवन होता है, इतना ही पत्नी पति के साथ होता है। मान लीजिए कहीं कोई कष्ट भी मिल रहा है किसी से भी, तो भी निभा दीजिए ये मानकर कि पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप ही हमको ये परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। अच्छा बताइए, आप में से किसी ने तय किया कि आपका जन्म कहां होगा? भगवान के यहां कोई फॉर्म तो किसी ने भरा नहीं था कि प्रभु मुझे वहां जाना है। एक बार क्या हुआ कि हमारे जो राष्ट्रपति थे ना अब्दुल कलाम साहब, बहुत ही उनका सम्मान है पूरे देश में, तो कलाम साहब की बचपन में इच्छा थी, मैं इसलिए सुना रहा हूं कि सभी जितनी माताएं हैं जितने भाई आए हैं अपने बच्चों को जरूर इस कहानी को सुनाएं, ये सत्य सत्य मैं आपको कथा बता रहा हूं। कलाम साहब तो बचपन में वो एयरफोर्स के पायलट बनना चाहते थे, और एयरफोर्स का पायलट सबसे तेजस्वी माना जाता है क्योंकि उसकी बुद्धि सबसे तेज मानी जाती है, इतनी हाई स्पीड में विमान उड़ाते हुए और सही निशाने पर बम गिराना और दुश्मन की मार से भी बच के आना, एक सेकंड की गलती में भी जान चली जाती। तो उन्होंने रिटन टेस्ट पास किया लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गए। इंटरव्यू देने वो देहरादून आए थे, देहरादून में आईएमए की अकेडमी है, तो जब वो देहरादून आए तो देहरादून में अब रुके कहां, अब तमिलनाडु का बच्चा रामेश्वरम के रहने वाले, तो रामेश्वरम के जो पुजारी जी थे वो उनको चाचा कहते थे, रोज उनसे प्रसाद भी लेते थे, तो पुजारी जी ने उन्हें एक चिट्ठी लिख के दे दी कि देखो भाई वहां एक स्वामी शिवानंद जी का आश्रम है ऋषिकेश में, वहां रुक जाना। वहां रुक गए। मेरा आपसे अनुरोध है कि मोबाइल पर आप बहुत सारी चीजों को सर्च कर लेते होंगे, तो आप स्वामी शिवानंद जी ऋषिकेश को सर्च करिए। स्वामी शिवानंद जी डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऑफ द इंडिया उन्होंने बनाया उस समय संगठन,
पूरे विश्व में भारत के ज्ञान का प्रचार किया। और ध्यान रखिए, एमबीबीएस डॉक्टर थे, वो समय एमडी तो होता ही नहीं था, एमबीबीएस डॉक्टरी करके तब वो सन्यासी बने थे। ये जो भारत का योग का विश्वविद्यालय मुंगेर वाला भाई साहब, मुंगेर भारतीय योग संस्थान, ये उन्हीं के द्वारा स्थापित है। बहुत महान, आप स्वरूप भी देखेंगे तो गजब। और ये जो आप घर घर में आरती गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, उन्हीं की लिखी हुई है। आप बाद में गाते ना कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, ये उन्हीं की लिखी हुई आरती है। तो स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में रुके, और जब वो इंटरव्यू में फेल हो गए तो आश्रम में आके गंगा जी के तट पर, चूंकि आश्रम की सीढ़ियां गंगा जी पर ही थी, वहीं बैठे थे और मन में आ रहा था कि आत्महत्या कर लो, दिल टूट गया। तो स्वामी जी पीछे से आए, इस बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा रो क्यों रहे हो? तो इन्होंने कहा कि मैं पायलट नहीं बन पाया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अंदर चलो। अंदर ले जाके पूछा कि आपको रामेश्वरम में जन्म हुआ, ये आपने फॉर्म भरा था? नहीं। डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, इसका फॉर्म भरा था? बोले नहीं। माता पिता कौन मिलेंगे, ये आपने फॉर्म भरा था? बोले नहीं। तो फिर आप ये तय कैसे कर सकते हो कि आपको कब मरना है? अरे जब आपको मरना है वो पहले से भगवान ने तय किया है। जिसने आपको पृथ्वी पर भेजा है उसने ये भी तय कर रखा है कि कब बुलाना है और क्या आप बनोगे, ये भी उसने तय कर रखा है। आपको वो पायलट बनाना नहीं चाहता, प्रभु आपको पायलट बनाना नहीं चाहते, इसलिए आपको फेल करवा दिया। इसलिए आप पायलट का चक्कर छोड़िए और अपनी पढ़ाई में मेहनत करिए। और फिर स्वामी जी ने उनको भगवद गीता पढ़ाई। अच्छा, बुद्धि इनकी बहुत तेज थी तो भगवद गीता इनके हृदय में बैठ गई। यानी मैं आपको बता दूं कि मरते समय तक भगवद गीता के पूरे 700 श्लोक उनको कंठस्थ याद थे, और अंतिम समय तक कलाम साहब शुद्ध शाकाहारी रहे और बिल्कुल सन्यासी जैसा जीवन जिया। तो जब भगवत गीता पढ़ी तो उन्होंने स्वामी जी से कहा कि मैं सन्यासी बनूंगा आपकी तरह। तो स्वामी जी ने हंस के पूछा, सन्यासी बन के क्या करेगा, क्यों बनोगे? बोले जी भगवान को प्राप्त करूंगा। तो स्वामी जी ने कहा, भगवान कहां नहीं है, ये आपके अंदर सांसों के रूप में कौन चल रहा है, वही तो है। ये वायु बन के कौन है, ये जल बन के कौन है, पृथ्वी के रूप में कौन है, पंच महाभूत के रूप में कौन है, वही तो है जिसका पैर पाताल में और शीश ब्रह्मलोक में, ये पूरे ब्रह्मांड में वही तो समाया हुआ है, कहां नहीं है। इसलिए उसने आपको भारत में जन्म दिया है तो भारत की सेवा ये भगवान की सेवा है, स्वामी जी ने कहा। और कलाम साहब ने इंजीनियरिंग को टॉप किया और फिर वैज्ञानिक बने, और आप देखते हैं कितनी मिसाइलें बनाई, अग्नि, नाग, पृथ्वी, आकाश, उनका नाम ही मिसाइल मैन हो गया। और दोनों देशभक्त जब मिले, अटल जी और कलाम साहब, तो दोनों ने भारत को महाशक्ति बनाया, परमाणु बम का विस्फोट कराया। और कलाम साहब कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किए, लेकिन भगवान ने उनकी कितनी चिंता की कि वो देश के राष्ट्रपति बने। अटल जी ने कहा आप बनेंगे राष्ट्रपति, ये किसने चिंता की, भगवान ने। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में वचन दिया, योग क्षेमम वाहम्यहम्, यदि आप मुझे समर्पित रहोगे तो आपकी चिंता मैं करूंगा। अपने जीवन में कभी अपनी तनख्वाह, अपनी पेंशन कभी अपने ऊपर खर्च नहीं की, हमेशा अच्छे कामों में। और जब राष्ट्रपति भवन में रहे तो 350 के लगभग कमरे हैं उसमें, उसके अलग उन्होंने मुगल गार्डन में सामने बगीचे में अपनी बांस की कुटिया बनवाई और गाय के गोबर से लिब्बा कर उसी में बैठते थे ज्यादातर समय। आज भी भारत के विद्यार्थियों के मन में सर्वाधिक श्रद्धा अगर किसी राष्ट्रपति के प्रति है तो वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के प्रति। और अंतिम समय में भी आईआईएम इम्फाल के विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए शाम को 6:30 बजे जो देवशैनी एकादशी आती है, आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की अगले महीने की, जो कल तो भीमसैनी एकादशी है, निर्जला एकादशी बड़ी एकादशी है, लेकिन इसके बाद जो अगले महीने में आएगी देवशैनी एकादशी, उस एकादशी की शाम को 6:30 बजे भगवान भी सोने गए तो अपने साथ कलाम साहब को भी ले गए, चलो बहुत काम कर लिया, आप थक गए होगे, अब विश्राम कर लो। यानी ठीक शाम को 6:30 बजे बोलते बोलते डायस पर ही वहीं बैठ गए और वहीं 2 मिनट में शरीर पूरा हो गया। जीवन के हर परिस्थिति को स्वीकार करना
परमात्मा की इच्छा मान के स्वीकार करना, यही सुंदर सदन है। जीवन एक जैसा नहीं रहेगा, कभी लाभ होगा कभी हानि होगी, कभी जय होगी कभी पराजय होगी, कभी अपमान होगा कभी सम्मान होगा, कभी जवानी होगी कभी बुढ़ापा होगा। जीवन एक जैसा कहां होगा, कभी लॉकडाउन होगा कभी खुल जाएगा। लेकिन हर परिस्थिति को स्वीकार करना और उसमें गुनगुनाते रहना। क्या गुनगुनाते रहना? तो गालें, एक भजन गालें, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। हाँ, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम से बहात में, मुख में हो राम नाम राम से बहात में। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि। सबकी ताली। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। हल्की आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। हल्की आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये सुंदर सदन सुखद सब काला। आज की कथा में अगर कोई बात आपको याद ना रहे तो चिंता मत करिए, इस आधी लाइन को अपने साथ अपने हृदय में ले जाइएगा, हमेशा गुनगुनाते रहिए और भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि हम सबका जीवन सुंदर सदन बने हर परिस्थिति में। तुल्य इंदा स्तुतिर मौनी, लाभा लाभो जया जयो, हर परिस्थिति में
हम एक जैसे रहें। भगवान ने कहा मेरे सबसे प्रिय भक्त का ये लक्षण है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरहंकारो सम सुख दुख क्षमी, दुख सुख में समान रहने वाला। तो यहां भगवान सुंदर सदन में आ गए हैं और अब पूरे जनकपुर में हल्ला हो गया है कि दो राजकुमार ऐसे आए हैं जिनको देखकर राजा जनक भी दीवाने हो गए। तो दोपहर का भोजन करने के बाद थोड़ा सा विश्राम करके, जैसे दोपहर के 3 बजे का समय जिस समय आप कथा में आते हैं, उस समय भगवान ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चहे, आपकी आज्ञा हो तो मैं लखन भैया को जनकपुर दिखा लूं। गुरुजी ने कहा, राघव आप जनकपुर देखना नहीं चाहते, जनकपुर आपको देखना चाहता है। पूरे नगर में बात फैल गई है कि ऐसे राजकुमार आए हैं, इसलिए जाइए सबके नयनों को सफल करके आइए, करहु सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। तो भगवान जनकपुर आए और पूरे मार्केट में जाम लग गया भाई साहब, इतनी भीड़। धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। अब जो भक्त लोग हैं वो तो आएंगे ही ना भगवान को देखने, जनकपुर तो भक्तों की नगरी है, ज्ञानियों की नगरी है, और जब राजा दीवाने हो गए, इतनी भीड़ हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हमारा तो दम घुट रहा है, इतनी भीड़ हो रही है। भगवान ने कहा अच्छा, तो भगवान एक गली में प्रवेश किया, सबको दर्शन देकर भगवान एक गली में प्रवेश किया। बोले मार्केट की अपेक्षा जो गली होती है उसमें कम भीड़ होगी। तो जितनी बहुएं थी जनकपुर की, जुबती भवन झरोखन लागी, अब उस समय मर्यादा तो आप समझते ही हैं, आज भी इतनी मर्यादा है कि बहू बिना सास की आज्ञा के कहां जा पाती है, और उस समय की सास कैसी रही होंगी। हालांकि यहां की सास तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारे ब्रज की सास जो है, एक बहू कथा सुनने आती थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी आप हर साल क्यों नहीं आते कथा करने। तो मैंने कहा क्यों, आपको हर साल क्या कथा बहुत अच्छी लगती है। बोले नहीं, मैं तो आज पहली बार कथा में आई हूं, लेकिन मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रही हूं कि यदि आप हर साल कथा में आए तो मुझे बड़ी सुविधा हो जाए। मैंने कहा क्या। बोले हमारी सास कथा में जाती हैं तो 5 घंटे घर में बड़ी शांति रहती है, तो आप हर साल आया करिए। अब जो सास थी और जो बड़े लोग थे वो तो सब मार्केट में आके दर्शन कर गए, लेकिन जो बहुएं थी वो तो घर में ही थी, अब वो नीचे आ नहीं सकती सड़क पर, तो ऊपर अपने अपने झरोखों पर, अपने अपने छज्जों पर वो बैठी थी। उनको भी पता था, चूंकि वो भी बड़ी भक्त हैं, प्रत्येक नर नारी बच्चा बूढ़ा जवान सभी जो है भगवान के भक्त है। आ जाइए भाई साहब, इधर इधर खाली है, आगे आ जाइए, आगे। तो सभी भगवान के भक्त हैं, आप सही समय पर आए हैं, यहां आ जाइए। स्वामी जी के पीछे कुर्सी खाली, बहन जी आप इधर आ जाइए, इधर खाली। बच्चों आप दोनों बेटा, बहन जी को बैठाओ, यहां बैठ जाइए। तो भगवान उस गली में जा रहे हैं और वो जो जनकपुर की सारी बहुएं हैं वो भगवान का दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि भगवान नीचे देखकर चलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब ये ऊपर देखें तब तो दर्शन हो, या तो वो नीचे आए, वो नीचे आ नहीं सकती और ये ऊपर देखेंगे नहीं। हाँ इनकी जगह हमारे कन्हैया होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो तो नैन मटक्का कर जाते, लेकिन ये तो राम जी हैं। तो उन सखियों ने कहा कि देखो ये रघुवंशी हैं और रघुवंशी पराई नारी की ओर नहीं देखते, इसलिए अगर इनको ये भरोसा हो जाए कि हम इनकी दीदी लगती हैं या बुआ जी लगती हैं, इनको हम अगर ये भरोसा दिला दें कि हमारा मायका अवध में है और हमारी ससुराल मिथिला में है, तब ये दर्शन कर सकते हैं। तो एक सखी ने
ये भरोसा दिलाने के लिए कि हम आपकी बुआ जी लगती हैं, उनके पिताजी का नाम लिया। क्योंकि मान लीजिए परदेश में यहां से आप बंबई जाएं और बंबई में कोई सड़क पर पीछे से आपके कंधे पर हाथ रख के कहे, भैया आप जहांगीरगंज से आए हैं क्या, आप उनके बेटे हैं, तो आपको लगेगा भाई ये तो कोई अपने रिश्तेदार हैं, पिताजी को भी जानते हैं, क्षेत्र को भी जानते हैं। तो वो सखी बोली, ए दो दशरथ के ढोटा बाल मरालिन के कल जोटा, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान ने नहीं देखा, लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपने सुना बुआ जी हैं? भगवान ने कहा मैं भी सुन रहा हूं, लक्ष्मण ऊपर नहीं देखना, अभी हमारे पिताजी सामान्य व्यक्ति नहीं, उनको पूरा संसार जानता है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ये जानते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, आगे चलो। दूसरी सखी बोली, कुछ और बताओ। तब उसने कहा, ये विश्वामित्र ऋषि के शिष्य हैं, यज्ञों की रक्षा करके आए हैं। मुनि कौशिक मख के रखबारे जिन रन अजीर निशाचर मारे, मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान ने फिर भी नहीं देखा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया गुरु जी को भी जानते हैं। भगवान ने कहा, जब हमने राक्षसों को मारा था ताड़का मारी सुबाहु को, एक महीने तक हर चैनल में ब्रेकिंग न्यूज चली थी, सारे अखबार हम ही को छाप रहे थे, जितना हमारी न्यूज छपी उतनी तो कोरोना का भी नहीं छपी, ये जानती है तो कौन बड़ी बात, सीधे चलो। तीसरी सखी बोली कि ये तो ना बुआ जी के नाम से मान रहे हैं ना गुरु जी के नाम से मान रहे हैं, इनकी मौसी बन जाते हैं। मौसी कैसे बनोगी? बोले मां का नाम तो किसी को पता नहीं होता, इनकी माताजी का अगर नाम लेंगे तब ये मान जाए। तो उन्होंने माताजी का नाम लिया। आप भी जानते हैं ना, माताओं का नाम पहले कहां पता होता था, अब तो कार्ड पर शादी में छपने लगाए, नहीं तो पहले तो उनकी बेटी हैं, उनकी बहन है, उनकी पुत्री है, या फिर उनके मायके के नाम से कि ये कहां वाली हैं, बोले ये अतरौलिया वाली हैं, ये कहां वाली हैं कि ये बसखारी वाली हैं, ऐसे मायके के नाम से होता था ना। तो उन्होंने मां का नाम लिया। बोले ये जो आगे आगे सांवले सांवले कमल नयन जा रहे हैं ना, श्याम गात कल कंज बिलोचन जो मारीच सुभुज मद मोचन, कौसल्या सुत सो सुख खानी नाम राम धनुषायक पानी। जैसे ही कहा कौसल्या सुत, लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये तो मौसी जी हैं। भगवान ने कहा, नहीं मौसी जी नहीं है, मेरी मां चक्रवर्ती पटरानी है, उनका नाम भी सब जानते हैं। तब एक सखी ने कहा कि अब हमसे लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है, भगवान हमारी ओर नहीं देख रहे। एक उनमें से जो एक वरिष्ठ सखी थी, उन्होंने कहा कि देखिए गड़बड़ यह है कि हम बिना गुरु के परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, जब तक कोई आचार्य ना हो, जब तक कोई संत ना हो, जब तक कोई गुरु ना हो, तो भगवंत की कृपा नहीं होती। भगवान तो बहुत गूढ़ विषय है, दसवीं क्लास का गणित भी आप पढ़ना चाहें, किताब भले ही खरीद लाएं, जब तक पढ़ाने वाले शिक्षक ना हो तब तक समझ में कहां आता है, बिना आचार्य के तो कुछ समझ में नहीं आता। तब उस सखी ने जब ये कहा तो बोले, गुरु कौन है, कहां से गुरु लाएं? तो उस सखी ने कहा, ये जो पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं ना, ये गुरु हैं, आचार्य हैं तीनों लोगों के, ये समस्त जीवों के आचार्य हैं। आप लक्ष्मण जी को जानते हैं? ये नर और नारायण की जोड़ी है, नारायण भगवान राम है और नर लक्ष्मण जी हैं। जब आप बद्रीनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ में भगवान नारायण का मंदिर है, लेकिन सामने जो बसड्डा वगैरह है वो सब नर वाले पहाड़ पर है, और उनका मुख पीछे की ओर है, हेमकुंड साहिब जिसका नाम अब रख गया है, वो लक्ष्मण कुंड है।
लक्ष्मण जी का मंदिर है। अभी 40 साल से वहां गुरुद्वारा बना है। चूंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पंजाब में ये रघुवंशी क्षत्रिय हैं, चूंकि भगवान श्री राम के छोटे पुत्र लव महाराज ने लाहौर की स्थापना की थी, ये लाहौर लव महाराज के द्वारा बसाया हुआ है। इसलिए पंजाब में सिखों में जो सोढ़ी और बेदी दो वंश हैं, ये रघुवंश के वंश हैं। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, दशम गुरु ने, उनमें वही तेज था लक्ष्मण जी जैसा। उन्होंने वर मांगा था नैना भवानी से, नैना देवी की शक्तिपीठ में उपासना करके, देव शिवा वर मोही है, शुभ कर्मन ते कबहु न डरो, रण में हरि से जब जाए भिनो, निश्चय कर अपनी जीत करूं। और रघुवंशी क्षत्रिय थे, इसलिए 125,000 से एक लड़ाऊं का उद्घोष उन्होंने किया। अगर उत्तर में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ना होते और दक्षिण में शिवाजी महाराज ना होते तो हम सब यहां ना बैठे होते, सबकी सुन्नत हो गई होती। ये उन्हीं दोनों महापुरुषों की कृपा है। ये हमारे जितने वीर लड़े हैं बंधुओं, यहां बाबा राघवदास कितने सिद्ध महात्मा उस समय के, ऐसे सब दिव्य महात्माओं की कृपा से। उधर बाबा गोविंद दास जी, इस क्षेत्र में भी एक से एक दिव्य विभूति। तो वहां लक्ष्मण जी नर के रूप में तीनों लोकों के जीवों के आचार्य हैं। इसलिए जब आप बद्रीनाथ जी से पहले अगर हेमकुंड साहिब की ओर जाएंगे तो बीच में जो नदी पड़ेगी उसका नाम भी लक्ष्मण गंगा है, और वहां लक्ष्मण जी का लाखों साल प्राचीन मंदिर है। तो आइए एक बार लक्ष्मण जी के चरणों में हम सब लोग प्रणाम करें। गौर किशोर वेश भर कांचे, कर सर चाप राम के पांचे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकतासु सुमित्रा माता, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे ही लक्ष्मण जी की माता जी का नाम लिया, लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, वैसे ही भगवान ने अपना मुखमंडल ऊपर उठा दिया और सारी सखियों ने पुष्पों की वर्षा की। बोलिए लखन सिय रामचंद्र की जय। ये हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचनि ब्रंद, जाहि जहां जह बंधु दो तह तह परमानंद। सबको दर्शन देकर भगवान सबको कृतार्थ करते हुए, बच्चे बूढ़े जवान स्त्री पुरुष सबको, अब भगवान वापस आए हैं। लेकिन जनकपुर की गली में तो वो आ गए, सबको दर्शन दे गए। उनसे प्रार्थना करें, प्रभु हम सब तो आपके अवध के ही हैं, हमारे घर भी आइए, हमारी गली में भी आइए, हमारे घर को भी मंगल भवन बनाइए। इस भावना से एक दो लाइन मेरे साथ। राम आए जनकपुर की गलियन में, 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 फूल खिलने लगे बाग बगियन में, फूल खिलने लगे बाग बगियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में, राम आए जनकपुर की गलियन में। तन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है, तन के गोरे सुमित्रा के सुख धाम है, माँ कौशल्या के लाला श्री राम है, माँ कौशल्या के लाला श्री राम है, चर्चा होने लगी आज सखियन में, चर्चा होने लगी
आज सखियन में राम आए जनकपुर की गलियन में राम आए जनकपुर की गलियन में नारियां सब झरोखों से तकने लगी नारियां सब झरोखों से तकने लगी रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी रूप अनुपम प्रभु का निरखने लगी सावरी छवि समाई है अखियन में सावरी छवि समाई है अखियन में राम आए जनकपुर की गलियन में राम आए जनकपुर की गलियन में फूल खिलने लगे बाग बगियन में फूल खिलने लगे बाग बगियन में अगले दिन सुबह भगवान पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गए क्योंकि पुष्प वर्षा कर सखियों ने पुष्प वाटिका का निमंत्रण दे दिया। गुरु जी की पूजा सुबह होनी है तो गुरु जी की पूजा को बिल पत्र भी चाहिए तुलसी दल भी चाहिए दूर्वा भी चाहिए पुष्प भी चाहिए तो लेने गए। सवेरे सवेरे का समय अभी सुबह के 5 बजे हैं सूर्य निकलने में अभी 1 घंटा है उस समय भगवान पुष्प वाटिका में प्रवेश किए और पुष्प चुन रहे हैं उसी समय जानकी जी का अपनी सखियों के साथ आगमन हुआ। स्वयं नहीं आई उनकी माता जी ने उन्हें भेजा कि बिटिया आज आपका स्वयंवर है इसलिए गिरजा मैया की पूजा करके आओ मां पार्वती की पूजा करके आओ जिससे श्रेष्ठ वर प्राप्त हो। तो जानकी जी को मां ने भेजा है संग सखी सब सुभग सयानी गावत गीत मनोहर बाणी तेहि अवसर सीता तेह आई गिरजा पूजन जननी पठाई। तो माँ ने आकर क्या किया ये आम का ही बाग था वहां भी बाग रहा होगा जैसे यहाँ राम बाग है उसमें सरोवर था। आप कभी जनकपुर की यात्रा करने जाएंगे तो आप देखेंगे वहां 108 सरोवर है और भगवान के विवाह की प्रत्येक लीला किसी ना किसी सरोवर के किनारे हुई है कहीं मांग में सिंदूर भरा गया है तो कहीं कुछ प्रत्येक लीला। भगवान को सरोवर बहुत प्रिय है इसलिए भगवान कृष्ण ने भी ब्रज में इतने कुंड इतने सरोवर बनाए दिव्य जल का संरक्षण कर जितना जल सन रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सू। तो भगवान पुष्प चुनने हैं और मैया जानकी ने अमराई में यानी आम के बगीचे में वो जो सरोवर है माता गिरजा का मंदिर है उसमें सरोवर में स्नान किया और पार्वती माँ का पूजन किया और पूजन में माँ से प्रार्थना की कि हमको आज स्वयंवर है हमारे योग्य वर हमको प्राप्त हो। उसी समय एक सखी दौड़ी दौड़ी आई जानकी जी की सखियों में से एक सखी वो पूजन में नहीं थी वो पुष्प वाटिका में चली गई थी तो उसने राम जी को देख लिया और देखते ही उसकी ये हालत हो गई कि वो दौड़ी दौड़ी आई और उस पर बोला नहीं जा रहा था उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे गदगद गिरा नयन बह नीरा उसकी ऐसी हालत हो गई। तो जब बहुत पूछा तब उसने कहा कि वो आए हैं जिनको देखकर कल सारा जनकपुर दीवाना हो गया था यानी उसने ऐसा वर्णन किया कि जानकी जी के मन में भगवान के दर्शन की उत्कंठा पैदा कर दी। वास्तव में कथा ऐसी होनी चाहिए जिस कथा को सुनकर भक्तों के मन में इसी जन्म में इसी शरीर से अपने परमात्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा हो जाए उत्कंठा हो जाए। वो सखी कितनी अच्छी कथावाचक रही होगी। तो जानकी जी उस सखी के पीछे पीछे चली। ये नियम है कि आप संत के बताए मार्ग पर चलेंगे तभी तो भगवान तक पहुंचेंगे। तो जब जानकी जी चली तो जानकी जी के हाथों के कंगन बजे पैरों की पायजेब बजी कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी
भगवान राम ने लक्ष्मण जी से घुंघरुओं की आवाज सुनकर कहा, लखन ये जनक जी की वो पुत्री आ रही है जिनके कारण स्वयंवर हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है। अब मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। भगवान श्री राम अपने श्री मुख से माता जानकी का कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ यही कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिर ही फूलवाई, जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। देखिए ये इसमें से सूत्रों को, जीवन के सूत्रों को अगर आप पकड़ सकें तो पकड़ लीजिए। भगवान के मन में कोई हलचल नहीं मचा सकता, वो तो शांताकारं भुजगक्षेनम है। हजारों प्रकार की टेंशन्स में भी वो आराम से सोते हैं। उनके मन में कोई हलचल मचाता है तो उसका नाम है भक्ति। इसलिए उन्होंने कहा, जब से जानकी जी आई है मेरे मन में हलचल हो गई है, सहज पुनीत मोर मन शोभा, जासु बिलोक अलौकिक शोभा। ये अलौकिक है, लौकिक सुंदरता पे भगवान ध्यान नहीं देते। अब शबरी, शबरी कैसी थी? 99 साल की उम्र में प्राण छोड़ने को बिल्कुल तैयार शबरी। भगवान का नाम जपते जपते बुढ़ापा आ गया, मृत्यु आने को, शबरी की व्याकुलता बढ़ती जा रही है, कब आएंगे कब आएंगे। और भगवान के दर्शन करके उन्होंने प्राण छोड़ दिए। ताहि देहि गति राम उदारा। लेकिन शबरी को भगवान राम ने 3 बार सुंदरी कहा। कह रघुपति सुन भामिनी बात, भामिनी भामाने प्रकाश, जो प्रकाश युक्त है। 3 बार सुंदरी शब्द का प्रयोग किया। तो भगवान की नजर में सुंदर वो है जिसकी, जिसके अंदर भक्ति है, जिसके अंदर मन अच्छा है। सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए उन्होंने कहा कि करत प्रकाश फिर ही फुलवाई। देखो ना लक्ष्मण, जहां ये जा रही है वहीं प्रकाश फैलाती जा रही है। अब हम अपने जीवन के बारे में विचार करें कि हम जहां जाते हैं वहां हमारे द्वारा सदगुण बढ़ते हैं कि दुर्गुण बढ़ते हैं, हम अंधकार बढ़ाने वाले हैं कि प्रकाश बढ़ाने वाले हैं। आसुरी शक्तियां अंधकार बढ़ाती हैं, देवी शक्तियां प्रकाश बढ़ाती हैं। जिसके अंदर भक्ति होगी वो प्रकाश बढ़ाएगा। तो भगवान ने जानकी जी को कहा, करत प्रकाश फिर ही फुलवाई, पूजन गौर सखी ले आई। ये चौपाई मेरी समझ में तब आई जब हम लोग श्रीलंका गए कथा करने। तो जहां जानकी जी अशोक वाटिका में रही वहां एक मंदिर है, उसके पुजारी जी से मैंने पूछा कि इस गांव का नाम क्या है। तो उन्होंने कहा इस गांव का नाम है सीता एलिया। मैंने पूछा एलिया माने क्या होता है आपकी भाषा में? बोले एलिया माने द लाइट ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता देने वाला प्रकाश। पुजारी जी ने कहा कि पहले इसका नाम लंका था, जग विख्यात नाम ते ही लंका, लेकिन जब से इसमें जानकी जी का वास हुआ तब से इसमें श्री आ गई और इसका नाम हो गया श्रीलंका। तब से इसमें भक्ति आ गई, सारे लोगों का जीवन प्रकाश से भर गया, अंधकार से प्रकाश की ओर, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो हम लोग जिस शहर में रुके थे उसी अशोक वाटिका के बगल में एक शहर था नुबारा एलिया। मैंने उनसे पूछा नुबारा मींस क्या होता है? बोले नुबारा मींस अग्नि। इसी शहर में हनुमान जी ने अपनी पूंछ से आग लगाई थी। अभी भी आप जाएंगे ना अशोक वाटिका, बिल्कुल ज्यों का त्यों आपको लगेगा बिल्कुल अभी बस यही, इतना सुंदर है वो क्षेत्र। रावण ने संसार के सबसे सुंदर क्षेत्र में मां को बिठाया था, अशोक वाटिका। तो भगवान ने जानकी जी को प्रकाशवती कहा, जानकी जी आ गई। लता ओट तब सखिन लखाए, उस सखी ने दिखाया कि देखो वो उस लता के पीछे भगवान पुष्प चुन रहे हैं। और जानकी जी ने जब राम जी को देखा तो देखती रह गई। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूं परिहरी निमेश। पलकों ने झपकना बंद कर दिया, एकटक निहार रही।
लेकिन उनको संकोच हुआ कि मेरे साथ की सखियां क्या सोचेंगी, मैं इनको एकटक निहार रही हूं। इसलिए उन्होंने नेत्रों के मार्ग से भगवान को हृदय में बिठाया और नेत्र बंद कर लिए। लोचन मग राम ही उरानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। अब आंखें बंद करके खड़ी है, अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से अंदर दर्शन कर रही है। एक सखी ने कहा, ओ जानकी आंखें खोलो, देवी का ध्यान बाद में करना, पहले सामने देवता का दर्शन करो। तब तक भगवान लता के पीछे से निकल के सामने आ गए और जब जानकी जी ने उनको देखा सामने, तो आप जानते हैं उनके सिर पर काय का मुकुट था। मोर पंख सिर सोहत नीके, कुछ बीच बीच कुसुम कली के। अब जरा ध्यान दीजिए, मोर पंख लगाने वाले भगवान का नाम है कृष्ण, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया। लेकिन आज मोर पंख सबसे पहले भगवान राम ने लगाया, क्योंकि भगवान जब पुष्पाटिका में प्रवेश किए तो एक मोर इतना नाचा, इतना नाचा। आज भी जब आ रहे थे यहां कथा करने तो रस्ते में खेत में एक मोर नाच रहा था बहुत, तो इतना नाचा कि उसने भगवान के स्वागत में सारे पंख गिरा दिए। तो लक्ष्मण जी ने उसका एक पंख उठाया और भगवान के मुकुट में लगा दिया। भगवान ने कहा, ये क्या किया लक्ष्मण? बोले, ये तो आपकी मर्यादा है, जो परमात्मा के लिए सर्वस्व समर्पण करता है उसको परमात्मा सदैव अपने मुकुट में मणि के रूप में स्थान दे। हनुमान जी ने सर्वस्व समर्पण किया, तो हनुमान जी देखिए, प्रहलाद देखिए, ध्रुव देखिए, जितने भी भक्त मिलेंगे, जितने भी संत मिलेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी को देखिए, सर्वस्व समर्पण। जैसे जितने क्रांतिकारियों ने समर्पण किया देश के लिए, वो भी टॉप पर, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, सब लोग, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने मलाई खाई उनको याद नहीं रखेगा देश, जिन्होंने भगवान के लिए सर्वस्व त्याग किया वही समाज के हीरो होते हैं। तो वो मोर पंख, अब मोर पंख के रूप में, कृष्ण के रूप में भगवान राम खड़े हैं और राधा रानी के साथ उनकी आठों सखियां सदैव रहती हैं, अष्ट सखियां, तो जानकी जी के साथ उनकी अष्ट सखियां हैं, तो जानकी जी इस समय राधा रानी के रूप में हुई और पुष्प वाटिका है। तो आइए एक बार मैं आपको ब्रज में भी लिए चलता हूं, क्योंकि मैं वृंदावन से आया हूं आपके बीच में। तो राधा कृष्ण वही द्वापर में है, वही त्रेता में सीताराम है, भगवान थोड़ी बदलते हैं, भगवान केवल अपना थोड़ा सा रूप चेंज करते हैं। तो आइए एक बार इस समय उनको डिस्टर्ब ना किया जाए और महारास के रूप में एक बड़ा सुंदर भजन ब्रज में गाया जाता है, आपने भी सुना होगा, जरा ताली बजाकर सब लोग, क्योंकि भगवान का स्वयंवर होने वाला है, जानकी जी का भगवान का विवाह होने वाला है, तो जरा खुशी का गीत एक सब लोग गाने बड़े भाव से। मीठे रस से भरे ओ जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरे ओ जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। अगर ये गीत ब्रज में होता तो पूरा पंडाल नृत्य करने खड़ा होता, लेकिन आप नृत्य नहीं कर सकते तो ताली तो कम से कम झूम के बजाइए, एक बार ऐसे बजाइए, एक बार ऐसे बजाइए, कुछ लगे कि आप हैं। मीठे रस से भरियो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, हे वृंदावन में धूम मचाए रही बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचाए रही बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जू की रज धानी लागे, रज धानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को
पानी लागे। ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे। मन करो कर यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो आओ यमुना जी को पानी लागे। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। एक कोटिक रूप धरे मन मोहन तो न पावे पार, कोटिक रूप धरे मन मोहन तो न पावे पार। रूप रस की छबीली पटरानी लागे, पटरानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। रूप रस की छबीली पटरानी लागे, पटरानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठोयाम, राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठोयाम। राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठोयाम, राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठोयाम। तिनकी बाधा दूर करत है पावन राधा नाम, तिनकी बाधा दूर करत है पावन राधा नाम। राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। सीताराम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। जय जय श्री राधे। भगवान का दर्शन हुआ जानकी जी को और सखियों ने कहा देर हो रही है, अब स्वयंवर भी होना है, आप चलिए। वापस लौटी लेकिन वापस घर नहीं गई, सीधे देवी जी के मंदिर में गई और देवी जी से कहा कि आपकी कृपा से ही मुझे जिनका दर्शन हुआ है वही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, अब आप ही करिए। इतनी सुंदर स्तुति देवी मां की है। मानस के बालकांड में 234वें से 236वें दोहे में अगर आप इसको प्रतिदिन गाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। ऐसी भी मान्यता है कि जिन कन्याओं को श्रेष्ठ वर चाहिए तो वो भी प्रतिदिन इस स्तुति का गायन करें। आज उसकी शुरुआत की दो चौपाई आप मेरे साथ गा लें बहुत भाव से। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजबदन सदानंद माता, जय गजबदन भाई सदानंद माता। जगत जननी दामिनी द्युति दाता, जगत जननी दामिनी द्युति दाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी।
चार बार जय बोली, दो चौपाइयों में चार बार। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक प्रार्थना है। इस एक प्रार्थना से ही देवी मैया इतनी प्रसन्न हो गई कि उन्होंने तुरंत वरदान दे दिया। जरा ध्यान से देखिए, पहली जय किसकी बोली? गिरवर राज। और दूसरी जय किशोरी। जय जय गिरवर राज किशोरी। गिरवर राज कौन है? पार्वती जी के पिता। और किशोरी कौन है? पार्वती जी। आपके पिता की भी जय हो और आपकी भी जय हो, यानी मायके की भी जय बोली और उनकी भी जय बोली, फिर उनके पति की जय बोली जय महेश, और फिर उनके पुत्रों की जय बोली जय गजबदन षडानन माता, हे गणेश और कार्तिकेय की मां आपकी जय हो। किसी भी मां का आशीर्वाद लेना हो तो आपको ये सूत्र दे रही है जानकी मां। उनके मायके की प्रशंसा करिए, उनकी प्रशंसा करिए, उनके पति की प्रशंसा करिए, उनके बच्चों की प्रशंसा करिए, करके देखिए। खाली चाय नहीं पिलाएंगी, चाय के साथ चकाचक। हमारे यहां ब्रज में चकाचक माने खूब अच्छे जो व्यंजन होते हैं। हर मां को अच्छा लगता है अपने मायके की प्रशंसा सुनना, अपनी सुनना, अपने बच्चों की प्रशंसा सुनना। तो मां ने जो प्रार्थना की उसमें मां इतनी प्रसन्न हो गई पार्वती मैया कि उनके गले में जो माला थी वो खिसक गई। खसी माल मूरत मुस्कान, माला खिसक गई। देखिए, जब भी आप किसी मूर्ति की पूजा करें और मूर्ति पर अगर आपने कुछ बिल पत्र चढ़ाया, तुलसी पत्र चढ़ाया, कुछ फल चढ़ाया, अगर वो खिसक जाए तो समझ लीजिए देवता प्रसन्न है। लेकिन जानबूझकर किनारे पर मत खिसका दीजिएगा, अपने आप खिसके। तो अगर अपने आप खिसके तो समझ लीजिए देवता प्रसन्न है। तो जानकी जी समझ गई कि मैया प्रसन्न है। खसी माल मूरत मुस्कानी, और मां ने आशीर्वाद दे दिया, और वो आशीर्वाद आप सबको याद है। मनुजाही राचेउ मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत रावरो। एही भांति गौरि आशीष सुनसिय सहित हिय हरषी अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली मनोजाहि राचेउ मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। जानि गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाहि मंजुल मंगल मूल वाम अंग भर कर लगे। ये स्तुति पहले हर घर में गाई जाती थी आरती के बाद, तो सबको याद होती थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ काफी लोगों ने गाई नहीं, इसका मतलब ये गानी बंद हो गई है। अपने घर में प्रतिदिन ये स्तुति गानी चाहिए। पहले हर घर में माताएं गाती थी, हमको भी घर में ही मासी सुन के याद हुई। तो ये माँ के वामांग फड़कने लगे। माताओं के वामांग शुभ माने जाते हैं, पुरुषों के दाहिने अंग फड़कने शुभ माने जाते हैं। और यहां से अब स्वयंवर की तैयारी हो गई है। अब जरा बाहें चढ़ा लीजिए भाई साहब, जरा राम जी के साथ जोर लगाना है सबको, जरा धनुष टूटेगा। तो स्वयंवर के लिए बुलावा आ गया, और स्वयंवर के लिए जब भगवान चले हैं तो पूरा जनकपुर दौड़ पड़ा है। अगर आपको कभी जनकपुर जाने का अवसर मिले तो जनकपुर से ठीक 25 किलोमीटर दूर धनुष धाम नाम का स्थान है। धनुष धाम वो अब जिला हो गया है। नेपाल में दो जिले अलग से हैं, एक जिले का नाम है धनुष, एक जिले का नाम है फरसा। पहले परशुराम भगवान धनुष रख कर गए थे, और उसके बाद जब राम जी के दर्शन हो गए तो फिर फरसा भी रख कर गए थे। तो एक जहां पर फरसा रख कर गए उस जिले का नाम है फरसा, और जहां धनुष रख कर गए उसका नाम है धनुष। और आज भी वो जो धनुष तोड़ा था उसका एक टुकड़ा आज भी वहां पड़ा है। वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए वो कौन सी धातु का है। उसकी पूजा होती है।
तो रंग भूमि आए दो भाई असि सुधि सब पुरवासी पाए चले सकल ग्रह काज बिसारी बाल जुबान जरठ नर बच्चे यहाँ देखिए बच्चे भी खूब आए हैं बूढ़े युवा स्त्री पुरुष सब दौड़े चले आ रहे हैं पूरी मिथिला राज्य से गाड़ियां भर भर के लाखों लोग लाखों नर नारी आने की सूचना दूतों ने जनक जी को दी जनक जी घबरा गए मंत्री से पूछा भैया इतनी भीड़ आ रही है क्यों आ रही है यहां तो राजा बुलाए गए हैं लगता है जनकपुर से ही बाबा बैठिए जी जी आओ आओ बड़ी भीड़ आ रही है मंत्री ने कहा ये धनुष यज्ञ में तो केवल वीआईपी प्रोग्राम है राजाओं का लेकिन ये भीड़ जो आ रही है ये तो राम लक्ष्मण का दर्शन करने आ रही है और दूतों ने कहा जानते हैं महाराज सब लोग क्या गाते हुए आ रहे हैं बड़े सुंदर भजन गाते हुए कौन सा भजन लागल जनकपुर में मेला देखन को हमरा मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देखन को हमरा मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देखन को हमरा मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देखन को हमरा मनवा करेला चलिए रंगभूमि में सब लोग पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए 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 संग में लाए दुई चेला देखन को हमरा मनवा करेला संग में लाए दुई चेला देखन को हमरा मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देखन को हमरा मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देखन को हमरा मनवा करेला राजा जनक जी धनुष प्रणठाने राजा जनक जी धनुष प्रणठाने धनुष प्रणठाने कठिन प्रणठाने धनुष प्रणठाने कठिन प्रणठाने कौन वीर तोड़े अकेला देखन को हमरा मनवा करेला कौन वीर तोड़े अकेला देखन को हमरा मनवा करेला देखो भैया इधर तो अवध है और इधर मिथिला है तो मिथिला वाले देखो कितने प्रसन्न हैं और अवध वाले तो ऐसे बैठे हैं अरे लागल जनकपुर में मेला देखन को हमरा मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देखन को हमरा मनवा करेला राजा जनक जी धनुष प्रणठाने राजा जनक जी धनुष प्रणठाने कौन वीर तोड़े अकेला देखन को हमरा मनवा करेला कौन वीर तोड़े अकेला देखन को हमरा मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देखन को हमरा मनवा करेला लागल जनकपुर जय जय देखन को हमरा मनवा करेला सबकी ताली जय
चलो सखी नयन सफल कर आवे, चलो सखी नयन सफल कर आवे, चलो सखी जन्म सफल कर आवे, चलो सखी जन्म सफल कर आवे। पैसा लगे ना अधेला, देखन को हमरा मनवा करेला, पैसा लगे ना अधेला, देखन को हमरा मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देखन को हमरा मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देखन को हमरा मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देखन को हमरा मनवा करेला। बहुत उत्साह है, जब यहां इतना उत्साह है तो वहां कितना उत्साह होगा। लाखों लोगों की भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। मंत्री ने कहा जो मंच आपने अपने होने वाले दामाद जी के लिए बनवाया है उस पर राम जी को बिठा दीजिए, तो जनता जो है ना वो दूर से देख लेगी तो दूर बैठ जाएगी, तो आपका वीआईपी आगे का जो सोफों वाला कार्यक्रम है डिस्टर्ब नहीं होगा। राजा साहब ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बड़े बड़े सम्राट आए हैं, वो कहेंगे राजकुमार ऊपर हम नीचे, प्रोटोकॉल का मामला। मंत्री ने कहा गुरुजी को बिठा दीजिए, विश्वामित्र जी बैठेंगे तब किसी को आपत्ति नहीं होगी, और जब गुरुजी बैठेंगे तो चेले तो बैठेंगे साथ में, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सब मंचन्ते मंचे सुंदर विशद विशाल, और मुनि समेत दो बंधु तहे बैठा रे महिपाल। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ऐसे लग रहे हैं भगवान जैसे बाल सूर्य निकल आया हो। दोपहर का सूर्य नहीं कहा, बाल सूर्य, बाल सूर्य बड़ा आंखों को अच्छा लगता है, एकदम भगवा भगवा कलर, इसलिए भारत में यज्ञ का कलर भगवा, बाल सूर्य का रंग भगवा, इसलिए हमारा धार्मिक ध्वज भगवा होता है, सन्यासियों के वस्त्र इसलिए भगवा होते हैं। तो सब शांति से बैठ गए, उसी समय सखियां जानकी जी को लेकर आई, मंद मंद चाल से चलती हुई जानकी जी आई हैं, और वरमाला उनके हाथ में है, उन्होंने एक रंगभूमि का चक्कर लगाया, जो राजा सब बैठे थे सोफों वगैरह पर बैठे होंगे, तो सखियां साथ में मंगल गीत गाती हुई आ रही हैं, और मंगल गीत गाती हुई जानकी जी अपने आसन की ओर बढ़ रही हैं। एक बार हम सब लोग जानकी माँ को स्वागत करेंगे बड़े भाव से रंगभूमि में। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। रंग भूमि जब सिया पगधारी, रंग भूमि जब सिया पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए, अंग अंग रच सखिन बनाए। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। अभी तक तो सब लोग बड़े आनंद में हैं, लेकिन जैसे ही जानकी जी अपने आसन पर बैठी रस बदल गया। अभी तक तो आप सब लोग बड़े आनंद के रस में गायन कर रहे थे, अब थोड़ा वीर रस में आ जाइए, क्योंकि अब धनुष टूटेगा, और धनुष के लिए वीर रस चाहिए। जनक जी ने अपने दूतों को इशारा किया और दूतों ने तुरंत सभा में घोषणा कर दी, हे राजाओं सावधान, ये जो सामने भगवान शिव का धनुष रखा हुआ है, ये तीनों लोकों का सबसे प्रसिद्ध धनुष, ये राहु के समान कठोर
और आप सबकी भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है। आप में से जो भी इसको उठाएगा, डोरी चढ़ाएगा, खींचेगा या तोड़ेगा, जो भी कुछ करेगा, जानकी जी बिना विचार किए उसके गले में वरमाला डालेंगे। दूतों ने बड़ी गूढ़ वाणी बोली है, इंद्र भुज बल में जो शिव धर राहू गर्व कठोर विजय सब काहू स्वयं पुराण को दंड कठोरा राज समाज आज जो टोरा राज समाज आज जो टोरा राज समाज आज जो त्रिभुवन जय समेत बैदे ही बिना विचार बड़े हटते ही त्रिभुवन जय समेत बैदे ही बिना विचार बड़े हटते बिना विचार बड़े हटते ही बिना विचार बड़े हटते ही। जो ये काम करेगा तीनों लोकों में उसकी जय जयकार होगी। और जानकी जी बिना विचार के, एक ही शर्त है, राजा दौड़े। समझदार राजा जो बैठे थे उन्होंने मूर्ख राजाओं को समझाया, कहां दौड़ रहे हो, सुना नहीं, आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है। नृप भुज बल विधु माने चंद्रमा। चंद्रमा में कितना बल होता आप तो जानते ही हैं। जब भी किसी का कोई मुहूर्त निकाला जाता है, किसी को दुकान खोलनी, किसी को मकान बनाना, शादी करनी, चंद्रमा का बल देखा जाता है। चंद्रमा में इतना बल है कि पूर्णमासी के दिन समुद्रों में तूफान आता है, अमावस्या को भाटा उतर जाता है। पर आपको एक बाल्टी पानी खींचना पड़ेगा, कुएं से आपकी सांस फूल जाएगी, और चंद्रमा पूरी दुनिया के समुद्रों को उछाल देता है। 100-100 मीटर सुनामी जैसी लहरें आती हैं। चंद्रमा में कितना बल है, राजा प्रसन्न हो रहे हैं, हमारी भुजाओं का बल। राजाओं, समझदार राजाओं ने कहा, वो धनुष राहु है, वो पूर्णमासी के दिन राहु चंद्रमा को खाता है, चंद्रग्रहण होता है, ये धनुष आज आपकी भुजाओं को खा जाएगा, मत पड़ो चक्कर में। लेकिन राजा नहीं माने, जाए जोर लगाए, रूप सहस दस एक ही बारा लगे उठा वंटर ही नटारा, हिला नहीं धनुष, बहुत जोर लगाया। लोगों ने पूछा 10,000 राजाओं ने एक साथ जोर कैसे लगाया। गोस्वामी जी ने कहा एक राजा को एक बार ट्राई करने की अनुमति थी, दूसरी बार नहीं थी, इसलिए आते गए, ट्राई करते गए, आगे बढ़ते गए। तो जब सब मुंह लटका के बैठ गए, तब राजा जनक खड़े हुए, उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा, ए राजा, आज के बाद किसी ने मुझे चढ़ाई या किसी ने अपने को वीर कहा तो खबरदार, मैं समझ गया हूं कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब जानी कौ माखे भटवानी वीर विहीन मही में जानी, अब जानी कौ माखे भटवानी वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मही में जानी, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। एक भी राजा इतनी डांट सुनकर गया नहीं। राजा जनक ने अपने मंत्री से पूछा कि भाई ये टेस्ट में सब फेल हो गए तो ये जाते क्यों नहीं घर। बोले जी अभी इनको आशा बाकी है। कौन सी आशा बाकी है? बोले जानते हैं कि पास तो कोई भी नहीं हुआ। अगर मान लीजिए आधे पास होते आधे फेल होते, या एक पास होता बाकी सब फेल होते, तब तो इन्हें शर्म भी लगती। अब इन्हें शर्म नहीं लग रही क्योंकि सभी फेल हो गए। और ये जानते हैं कि राजा अपनी बेटी की शादी तो करेंगे, कुआरी तो रखेंगे नहीं, तो फिर अंत में हार के क्या करेंगे? तो बेटी के हाथ में वरमाला देकर कहेंगे, बेटी अब चक्कर एक लगा लो और जो पसंद आए उसके गले में डाल दीजिए। तो ऐसी चक्कर में बैठे हैं कि शायद अपना नंबर आ जाए। तब राजा जी ने फिर से कहा, ताजा उवास, आशा त्यागो। राजा ने कहा फिर क्या करें? बोले निज निज ग्रह जाहू, अपने अपने घर जाइए। आपसे नहीं कह रहा हूं, आप तो आरती के बाद जाएंगे। आज दशहरा है, गंगा दशहरा, और उसमें भी भगवान के विवाह की पावन आरती है। राजा ने कहा क्या बिटिया की शादी नहीं करेंगे महाराज? जनक जी ने कहा मेरी बेटी के हाथ में लगता है भगवान शादी की रेखा खींचनी भूल गए। अरे लिखा न विधि वैसे विवाहू, लिखा न विधि वैसे विवाहू, लिखा न विधि वैसे विवाहू, लिखा न विधि वैसे विवाहू। जैसे ही जनक जी ने कहा, विधाता ने हाथ में शादी नहीं लिखी, लक्ष्मण जी एकदम खड़े हो गए, एकदम लाल लाल, और सीधे उन्होंने कहा, ए जनक, अंकल जी भी नहीं कहा, चाचा जी भी नहीं कहा, सीधे जनक, गलत बोलते हो, विधाता का रजिस्टर आपने कब पढ़ा जो आपने देख लिया कि शादी नहीं लिखी, अनुचित बोलते हो। जहां कोई रघुवंशी बैठा हो वहां कोई कहे पृथ्वी वीरों से खाली हो गई,
कही जनक जैसे अनुचित बानी विद्वान खुल मन जानी रघु वंश में जय को होई ते समाज अस कहीं न कोई ते समाज अस कहीं न कोई ते समाज अस कहीं न कोई। रघुवंशी के होते हुए कोई कहे कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, वीरता देखना चाहते हो, मेरे प्रभु अगर मुझे आज्ञा दे दें तो मैं इस धनुष को उठाकर 100 योजन की दौड़ लगाऊं। धनुष तोड़ने की बात छोड़ जनक, पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ दो। एकदम राजा भागे। समझदार राजा ने पूछा कहां भाग रहे हो? बोले ब्रह्मांड फूटने वाला है, आप भी भागिए। समझदार राजा ने कहा फूटेगा नहीं, ये डरा रहे, प्रभु भी तो इसी में। तब गुरुजी ने पूछा लखन, हाँ गुरुजी, बेटे इतने लाल क्यों हो रहे हो, इतने लाल क्यों हो रहे हैं आप? लक्ष्मण जी ने कहा क्योंकि गुरुजी पीले हो चुके हैं। गुरुजी ने कहा हम पीले? बोले हाँ आप पीले। कैसे? बोले आपने सुबह आशीर्वाद दिया था कि सफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, और अब सारे राजाओं ने जोर लगा लिया और आपने एक बार भी प्रभु को नहीं कहा कि धनुष तोड़ो, धनुष उठाओ, और आप जानते हो मर्यादा पुरुषोत्तम है, बिना आपकी आज्ञा के करेंगे नहीं, इसलिए मुझे जरा थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा। गुरुजी बोले भाई लखन आप चेले हो, मैं गुरु हूं, मुझे पता है कि आज्ञा कब देनी है। बेटे जानते हो लखन सूरज कब निकलता है? जब पूरब की दिशा में लाली छा जाती है। अभी तक लाली नहीं आई थी ना, तो सूरज कैसे निकलता? अब लाली आपने प्रकट कर दी, अब सूर्य को मैं प्रकट करता हूं। तब गुरुदेव ने आज्ञा दी, उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु सात जनक परतापा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए धवनि जुबामृग राज लजाए। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा हर्ष विषाद न कजूर लावा। जैसी गुरु की आज्ञा हुई, जानते हैं राम जी ने क्या किया? पहले गुरु के चरणों में मत्था टेक दिया। सुनी गुरु बचन चरण सिर ना, तब खड़े हुए। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी कितना भी आवश्यक कार्य क्यों ना हो, पहले किसी बड़े का आशीर्वाद लीजिए, जो भी हो, माँ हो, पिता हो, चाचा हो, ताऊ हो, गुरु हो, जो भी है। और बिल्कुल सहज भाव से धनुष, उनके चरणों में कोई जल्दी नहीं, कोई चाल में कोई उतावलापन नहीं है, एकदम जैसे शेर चलता है। भगवान धनुष की ओर बढ़े, जानकी जी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं क्या होने वाला है, और जानकी जी तो बार बार गण नायक वरदायक देवा, हे गणेश जी महाराज, मैंने आज तक जितने लड्डू चढ़ाए सबका फल दे दीजिए, अपनी सूंड का भी जोर लगा दीजिए। हे शंकर जी, हे पां पार्वती, जानकी जी बिल्कुल एकदम इतनी घबराई हुई है कि क्या होगा आगे, अगर इनसे धनुष नहीं उठा तो क्या होगा। तो भगवान ने देखा कि जानकी जी को व्याकुलता बढ़ती जा रही है, ऐसा ना हो कि कहीं इनको हार्ट अटैक वगैरह कुछ हो जाए। भगवान ने कहा देर करने से कोई लाभ नहीं, धनुष की ओर देखा, ताके उहर को दंड। जैसे ही धनुष की ओर ताका, लक्ष्मण जी फिर खड़े हो गए। गुरु जी ने कहा लखन क्या बात अब क्यों खड़े हो गए? गुरु जी ने कहा लक्ष्मण जी ने कहा गुरु जी देखिए भगवान धनुष की ओर ताक रहे, वो जिसकी ओर ताकते हैं वो गया, जिनकी ओर उन्होंने ताका वो गया, अब ये धनुष गया। और ये धनुष बड़ा दिव्य है, भगवान शिव का है, इतनी जोर की टंकार होगी कि धरती पर भूकंप के झटके, सुनामी की लहरें, महाप्रलय हो जाएगी, इसलिए मैं शेष नाग हूं गुरुदेव, पृथ्वी को सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं अपने दिक्पालों को लोकपालों को सावधान कर रहा हूं, धरती को जबड़ों में जकड़ कर रखना, हिलने न पाए। लक्ष्मण जी पुकार रहे हैं, राम जय शंकर धन तोड़ा हो सजग सुन आयस मोरा, हो सजग सुन आयस मोरा, हो सजग सुन आयस मोरा। ए दिक्पालो सावधान। भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, लखन, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु सिग्नल ग्रीन, लाइन क्लियर, सब पोजीशन बिल्कुल ठीक है, आप करिए। और जैसे ही लक्ष्मण जी का ग्रीन सिग्नल मिला, भगवान ने धनुष की 3 परिक्रमाएं करके भगवान शिव को प्रणाम किया, त्र्यंबक में जा महे सुगंधिम पुष्टवर्धनम, और उसके बाद मन ही मन अपने कुलगुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया।
ध्यान दीजिए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा नहीं भूलते, विश्वामित्र को भी प्रणाम कर कर आए हैं, लेकिन अपने कुलगुरु वशिष्ठ को भी नहीं भूले, और वशिष्ठ जी को मन ही मन प्रणाम करके, मन ही मन प्रणाम गुरु की ना आशीर्वाद उठा धनीना, ले जाव खेच दगाड़े काऊ लगा दे संधारे, काऊ लगा दे संधारे, काऊ लगा दे संधारे। भगवान की क्रिया दिखाई नहीं पड़ती, परिणाम दिखाई पड़ता है। कब धनुष को उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, कब तोड़ा, कोई नहीं जान पाया। आसमान में बिजली जैसी कड़की कड़की ध्वनि हुई, दैछन नाम मत धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, दैछन नाम मत धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। टूट गया, टूट गया। देखिए शंख ध्वनि भी हो गई, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। इतनी जोर की टंकार हुई कि चारों दिशाओं में सूर्य भगवान के घोड़े भी उल्टी दिशा में भागे। तो समझ ने लिखा, भरे भुवन घोर कठोर, रवि रवि बाज तज मार चले, चिक्का रही दिग्गज टोल, आई मई कोल कोरुम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल भिकल विचार ही, ओ दंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचार, तुलसी जयति वचन उचार, तुलसी जयति वचन उचार। बोलिए लखन सिय राम चंद्र की जय। चारों दिशाओं में जय जयकार भगवान की। अब जानकी जी वरमाला पहनाना चाहती हैं, लेकिन जब तक कोई बुजुर्ग आज्ञा ना दे तब तक कैसे पहनाए। तो शतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पही कीना। अब जानकी जी भगवान के सामने आई हैं, और धन्यवाद महाराज जी, माला पहनाना चाहती है, लेकिन भगवान पाटे पर खड़े हैं और उनका मुकुट भी ऊंचा है, थोड़े लंबे भी हैं, अब हाथ कैसे पहुंचे। तो जानकी जी ने आंखों आंखों में प्रभु से इशारा किया, थोड़े झुक जाइए। भगवान ने कहा, देखिए मैं तो कभी अकड़ के खड़ा नहीं होता, लेकिन झुकने की भी मेरी एक मर्यादा है। ये 10,000 राजा बैठे हैं, देख रहे हैं, क्या कहेंगे कि अभी शादी हुई नहीं, पहले से ही झुकना शुरू कर दिया, तो इससे ज्यादा नहीं झुक पाऊ। तो सखियों ने कहा, आप चिंता मत करिए, कल जब ये हमारे गली में आए थे पुष्प वाटिका से पहले, तब हमने इनकी स्तुति की थी, तो इनका मुख हमने ऊपर की ओर उठवा दिया था। बाबा, ए बाबा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हैं। शंख जो बजता है वो बाद में आरती के समय, अब यहां कथा करें कि वो करें, अब ये माई